हेलो बच्चों, कैसे हो? डीसीएम टेस्ट सीरीज में आपका स्वागत है। इसके अंदर बच्चों मेजर सेकंड जो हुआ है उसका अपन सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे, ठीक है। माय सेल्फ दीपक भोला, टीम फिजिक्स सीएलसी सीकर, ठीक है। तो चलो बच्चों सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा बच्चों, यहाँ पे स्ट्रेन वर्सेज स्ट्रेस ग्राफ आपको गिवन है, ठीक है। इसमें आपसे पूछा है किसकी इलास्टिसिटी मैक्सिमम है या बतानी है, ठीक है। तो बच्चों अपन देखते हैं जो इलास्टिसिटी होती है, देखिए यहाँ पे इलास्टिसिटी, यहाँ पे स्ट्रेस वर्सेस जो स्ट्रेन ग्राफ है, ठीक है, यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, देखिए यहाँ पे बच्चों स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ मतलब प्रतिबल और विकृति के मध्य जो ग्राफ होता है उसमें है टैन थीटा जो है वो किसको बताता है यहाँ पे, इलास्टिसिटी को, ठीक है, मतलब प्रत्यास्थ हो जाता है। तो ई इज इक्वल टू टैन थीटा, ई इज इक्वल टू टैन थीटा, लेकिन थीटा किधर से नापते हैं, स्ट्रेन मतलब जिस तरफ विकृति वाली स्थिति है वहां से नापते हैं, उस अक्ष से नापते हैं। तो स्ट्रेन ये रहा, यहां से हम एंगल मेजर करेंगे। देखिए आर के लिए एंगल क्या आ रहा है बच्चों, मैक्सिमम, यहाँ पे आर के लिए मैक्सिमम है, थीटा मैक्सिमम बन रहा है, ठीक है। एंगल किधर से मेजर करना होता है बच्चों, यहाँ पे स्ट्रेन से, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा मैक्सिमम है, तो ई इज इक्वल टू मैक्सिमम, मैक्सिमम किसके लिए बच्चों, फॉर आर, ठीक है, आर वाले ग्राफ के लिए मैक्सिमम आएगा। तो यहाँ पे प्रत्यास्थता मैक्सिमम किसकी आएगी बच्चों, आर की, तो आ जाएगा तार आर के लिए प्रत्यास्थता अधिकतम है, मींस इलास्टिसिटी इज मैक्सिमम, ठीक है, फॉर आर, ठीक है, बात पहले पड़ी। चलो अब देखिए बच्चों उसके बाद फिर आगे यहाँ पे नेक्स्ट अपन देखिए इसमें क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, अ पार्टिकल इज कंस्टेंट इन टू मूव इन सर्कुलर पाथ, मींस एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे बच्चों मूव कर रहा है और उसकी स्पीड लगातार डिक्रीज हो रही है। तो पूछा यहाँ पे इसका जो एक्सप्रेशन है, कुल जो त्वरण है वो बेस्ट किस डायग्राम में रिप्रेजेंट किया गया, ये बताना है आपको। तो बच्चों अपन जानते हैं सर्कुलर मोशन में जो एक्सेलरेशन है, दो टाइप के एक्सेलरेशन होते हैं, एक तो होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एक होता है बच्चों यहाँ पे सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। तो देखिए यहाँ बच्चों इस तरह से देखो, यहाँ पे इसमें बात करें टेंजेंशियल एंड सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, तो ये बच्चों यहाँ पे इसके अंदर समझो बात को, देखिए ये सर्कुलर पाथ है, ये सर्कुलर पाथ है, यहाँ बच्चों इसकी वेलोसिटी इस तरफ है, वेलोसिटी ये वी है, और वेलोसिटी बच्चों यहाँ पे डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब जो इस पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगी है इस तरफ, ये है एटी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एटी इस डायरेक्शन में, ठीक है। एंड जो इसका सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन है, अभी केंद्रीय त्वरण उस तरफ है एसी। तो देखो दो एक्सेलरेशन ये रहे, एक एटी एंड एक एसी, तो चलो दोनों आपस में एक दूसरे परपेंडिकुलर है, लंबवत हैं, तो उसका जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन आएगा कुछ इस तरफ आएगा, इस तरह से ए नेट, यह आएगा नेट एक्सेलरेशन ए नेट इस तरफ। तो कौन सा ऑप्शन है जो इसको दर्शा रहा है, कौन सा जाएगा, फोर्थ, यह जाएगा इसका फोर्थ आंसर, ठीक है। तो इससे अपन चेक कर सकते हैं नेट एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, क्लियर। चलो अब देखिए यहाँ पे उसके बाद नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन अपन देखें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये आपकी स्क्रीन पर, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, दो तरंगों की तीव्रता अनुपात में से आपको I1 अपॉन I2 गिवन है, रेशियो ऑफ इंटेंसिटी गिवन है 9:1, ठीक है। मींस यहां पे I1 अपॉन I2 गिवन है, कितना गिवन है, I1 अपॉन I2 9:1 गिवन है, I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू 9:1, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसको I1 को अपन 9 ले लें तो I2 को 1 ले सकते हैं, इफ I1 इज 9 I2 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब हमसे पूछा है रेशियो, ठीक है, मैक्सिमम एंड मिनिमम का रेशियो पूछ रहा है, आई मैक्स अपॉन आई मिन, ये आपको निकालना है, आई मैक्स अपॉन आई मिन कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आई मैक्स, तो जो क्या होता है फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा बच्चों, रूट ऑफ आई वन प्लस रूट ऑफ आई टू होल स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ आई वन माइनस रूट ऑफ आई टू होल स्क्वायर, बस ये अप्लाई कर दें इसके अंदर, वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ पे नाइन एंड वन है, नाइन का रूट करेंगे कितना आता है थ्री, ठीक है, वन का रूट तो खैर वन आता है, स्क्वायर अपॉन में फिर थ्री माइनस वन स्क्वायर, ठीक है। तो ऊपर कितना होगा बच्चों फोर, फोर का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और नीचे टू, टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा फोर, 16/4 मीन्स 4/1, तो कौन सा आंसर आ गया, ये आ जाएगा इसका रिजल्ट, ठीक है। तो अपन देख लिया क्वेश्चन नंबर थर्ड, चलो अब आगे देखिए बच्चों इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे बच्चों इसमें ये रहा, किसी चुंबक की लंबाई मींस लेंथ ऑफ मैग्नेट इज लार्ज कंपेयर टू इट्स विड्थ एंड ब्रेथ, ठीक है। बच्चों मैग्नेट दे रखा है आपसे, कह रहा है कि इसका जो ऐसा जो टाइम पीरियड है ऑक्सीलेशन टाइम पीरियड इन मैग्नेटिक फील्ड, ये गिवन है 2 सेकंड, ठीक है। आपसे कह रहा है कि इसकी लेंथ को अपने 3 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया है और एक के ऊपर एक रख दिया है, ठीक है। तो चो इस प्रकार आप इसका यहाँ पे कह रहा है कि इसका न्यू टाइम पीरियड क्या होगा, मतलब इससे अपन ने इसके 3 टुकड़े किए और 3 टुकड़े करे बच्चों अपने एक के ऊपर एक रख दिया इसको, ठीक है, मतलब कुछ इस तरह से देखिए यहाँ पे एक के ऊपर एक 3 टुकड़े करके अपन इसके ऊपर एक के ऊपर एक रख दिया इसको इस तरह से, और फिर इसको अपन ऑक्सीलेट करा रहे हैं,
मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, फिर हम इसको ऑक्साइड करा रहे हैं बच्चों, तो इसका हम देख रहे हैं पूरा टाइम पीरियड क्या होगा, ये हमें निकालना है इसके ऑक्सीडेशन का, ठीक है। और रखे कैसे बच्चों, सेम पोल एक के ऊपर एक रखे हैं, इस तरह से सेम पोल एक के ऊपर एक रखे हैं। तो जो यहाँ पे कटिंग करने पे इसको इस तरह एडजस्ट करेंगे, तो यहाँ पे जो एम डैश है, एम डैश तो एम ही रहेगा, क्यों, क्योंकि पहले अपन ने कट किए, एवरी एम कितना हो गया, एम बाई थ्री, एम बाई थ्री, एम बाई थ्री, फिर तीनों को एक के ऊपर एक रखा तो वापस एड हो जाएगा एम बाई थ्री प्लस एम बाई थ्री प्लस एम बाई थ्री, तो न्यू एम डैश तो वापस एक्चुअल एम के इक्वल ही आया, इनिशियल एम के इक्वल, ठीक है। एंड बच्चों मास की बात करेंगे, मास को चलो यहाँ पे कैपिटल एम बार लिख दें अपन, तो एम बार डैश इक्वल टू क्या है, एम बार मीन्स जो उसका नया द्रव्यमान है, नया मास वो भी उतना ही रहेगा, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपन जानते हैं आई, सॉरी टी जो होता है, टी इक्वल टू टू पाई रूट ऑफ आई अपॉन एम बी, ये अपन जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे अच्छा बच्चों यहाँ पे लेंथ की बात करें साथ में, एंड लेंथ क्या हो जाएगी इसकी, लेंथ, लेंथ को अगर मैं एल से शो करूं तो एल डैश इक्वल टू क्या बच्चों, एल बाई थ्री, इस सिस्टम की लेंथ कितनी हो गई, एल बाई थ्री हो गई है। अब बच्चों यहाँ पे देखिए टी, यहाँ पे जो आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस आई को अपन क्या लिखते हैं, ठीक है, आई यहाँ पे एम एल स्क्वायर अपॉन 12 के रूप में होता है, ठीक है, तो मास इंटू लेंथ स्क्वायर अपॉन 12, ठीक है, डिवाइड बाय यहाँ बच्चों इसके अंदर एम इंटू बी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बी को चेंज कर नहीं रहे, एम बी एम डैश के लिए हमारी है, मास भी सेम है, तो ये ओनली प्रोपोर्शनल टू किस पे डिपेंड कर रहा है, एल पे, तो प्रोपोर्शनल टू क्या जाएगा, एल को ही, एल स्क्वायर का रूट करेंगे एल आएगा, तो लेंथ यहाँ पे एल डैश बाई थ्री हो गई है, तो इसलिए टी डैश इक्वल टू क्या जाएगा, टी बाई थ्री, तो टी बाई थ्री, तो पहले टाइम पीरियड कितना था बच्चों, 2 सेकेंड, तो 2/3 कर दें, ये आंसर आ जाएगा 2/3 सेकेंड, तो कौन सा आंसर है 2/3 सेकेंड, ये इसका रिजल्ट आ जाएगा 2/3 सेकेंड, तो इससे अपन सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है, बात पहले पड़ी। चलो अब आगे देखो बच्चों, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फोर्थ का फिफ्थ क्वेश्चन अपन देखें, ये रहा फिफ्थ क्वेश्चन, 10 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का बच्चों पीक वैल्यू 10 वोल्ट है, ठीक है, इसका एक मैसेज सिग्नल है, और दूसरा बच्चों यहाँ पे जो कैरियर सिग्नल है इसके लिए 20 वोल्टेज आपको गिवन है, ठीक है, कैरियर सिग्नल जो वाहक सिग्नल होता है उसके लिए वोल्टेज गिवन है, एंड जो मैसेज सिग्नल है उसके लिए भी आपको यहाँ पे वोल्टेज गिवन है, और आपसे कह रहा है कि हमें इसमें क्या निकालना है, तो हमें इसका मॉडुलन सूचकांक मतलब मॉडुलेशन इंडेक्स निकालना है, लोअर साइड बैंड एंड अपर साइड बैंड की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो यहाँ से अपन जानते हैं बच्चों, देखो यहाँ जो म्यू है मॉडुलेशन इंडेक्स, मॉडुलेशन इंडेक्स को अपन म्यू से शो करें, ठीक है, तो यहाँ पे देखो मॉडुलेशन इंडेक्स क्या होता है, देखिए वैल्यू ऑफ मॉडुलेशन इंडेक्स म्यू इक्वल टू, यहाँ पे म्यू इक्वल टू मॉडुलेशन इंडेक्स लिखते हैं म्यू, इसकी वैल्यू क्या होती है, ये होती है वी एम, मतलब पीक वोल्टेज ऑफ मैसेज सिग्नल, पीक वोल्टेज मतलब शिखर मान, मैसेज सिग्नल का शिखर मान बटा कैरियर का शिखर मान, मतलब पीक वैल्यू ऑफ कैरियर सिग्नल, तो यहाँ पे वी एम कितना बच्चों, वी एम की वैल्यू 10 वोल्ट की बने, ठीक है, एंड कैरियर की पीक वैल्यू कितनी की बने आपको यहाँ पे 20, तो यहाँ पे डिवाइड कर दो कितना बन जाएगा 0.5, तो मॉडुलेशन इंडेक्स तो कितना आ गया 0.5 आ गया मॉडुलेशन इंडेक्स, ठीक है। अब बच्चों उसके बाद फिर अपन देखें, उसके बाद हमें क्या चाहिए, बैंड चाहिए, साइड बैंड, लोअर साइड बैंड, अपर साइड बैंड, जो बैंड होते हैं बच्चों यहाँ पे ओमेगा, ठीक है, यहाँ पे जो बैंड्स हैं इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है ओमेगा, अगर लोअर बैंड की बात करें तो ओमेगा लोअर इज इक्वल टू होता है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर सिग्नल माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ मैसेज सिग्नल, कैरियर सिग्नल माइनस मैसेज सिग्नल को माइनस करते हैं, ठीक है, यहाँ पे दोनों को माइनस कर दें, ओमेगा कैरियर सिग्नल माइनस ओमेगा मैसेज सिग्नल, तो कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कितनी रखी है बच्चों उसमें 1 मेगाहर्ट्ज़, ठीक है, 1 मेगाहर्ट्ज़, तो इसको अपन लिखते हैं 1000 किलोहर्ट्ज़, ठीक है, इसको मैंने किलोहर्ट्ज़ में चेंज कर लिया, फिर माइनस मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कितनी है 10 किलोहर्ट्ज़, तो यहाँ 10 कर देंगे, ठीक है, तो 10 किलोहर्ट्ज़ माइनस कर दो उसमें, तो कितना आ गया बच्चों यहाँ पे, यह आ जाएगा 990 किलोहर्ट्ज़, ठीक है। ऐसे बच्चों यहाँ पे हम अपर हाई अपर बैंड देखें बच्चों, ठीक है, तो लोअर साइड बैंड हो गया, अपर साइड बैंड, अपर साइड मतलब हायर साइड बैंड या कहते अपर साइड बैंड कह लें, तो ये ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम करते हैं यहाँ पे, ठीक है, दोनों को ऐड करोगे तो 1000 प्लस 10 इज इक्वल टू कितना जाएगा, ये 1010 किलोहर्ट्ज़, ठीक है, तो कौन सा आंसर टिक करेंगे, फर्स्ट आंसर आएगा ये 0.5, तो मॉडुलेशन इंडेक्स हो गया 990 एंड 1010 किलोहर्ट्ज़, इसके अपर एंड लोअर साइड बैंड, लोअर एंड अपर साइड बैंड हो गई, ठीक है, ये अपन देख लिया, क्लियर। चलो अब आगे देखें बच्चों, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए यहाँ पे इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे आपको एक वेक्टर गिवन है, सदिश ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i 6j n 2 k कैप, इसको हमें निर्देशांक अक्षों के साथ जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है उनके साथ कितना एंगल बन रहा है ये फाइंड करना है। तो बच्चों आपने पढ़ा होगा डीसीएस के बारे में, डायरेक्शन ऑफ कोसाइन, उसी का यूज करने जा रहे हैं बच्चों यहाँ पे अपन इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं देखिए, डीसीएस आपको बताइए कॉस अल्फा, कॉस अल्फा मीन एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल होता है कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है ए एक्स अपॉन ए। ठीक है, तो ए एक्स कितना दे रखा है यहाँ पे 3, और ये 3 है, ए क्या जाएगा रूट ऑफ सभी का स्क्वायर करके ऐड करेंगे 9 + 36 + 4 मतलब क्या बन जाएगा ये 7 हो जाएगा नीचे, तो ये 49 का रूट 7 होता है तो क्या होगा 3/7, ये हो गया बच्चों 3/7। यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू जाएगा कॉस इनवर्स 3/7। ठीक है, तो ऐसे ही ये कॉस इनवर्स 3/7 आ गया कॉस अल्फा का मान। ऐसे बच्चों कॉस बीटा निकाल लेंगे, कॉस बीटा के लिए ए वाई बटा ए करेंगे, ए वाई अपॉन ए, ठीक है ए वाई अपॉन ए करेंगे तो ए वाई कितना बच्चों यहाँ पे 6 है, 6 और ए यहाँ पे 7 है, तो यहाँ से 6/7 हो जाएगा। ऐसे ही कॉस गामा निकाल लें तो ए जेड अपॉन ए करना पड़ेगा, ठीक है ए जेड अपॉन ए, ए जेड यहाँ पे कितना है 2 है और ये 7, तो कौन सा आंसर आ गया ये फर्स्ट। ठीक है, तो ये टिक कर सकते हैं, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा निकाल ले, इस रूप में आ जाएंगे रिजल्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6, चलो अब आगे देखें बच्चों इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है कि पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, मतलब एक कण है ये क्या कर रहा है एसएचएम कर रहा है, सरल आवर्त गति कर रहा है एसएच। ठीक है, और बच्चों इसके लिए हमें काइनेटिक एनर्जी ग्राफ पूछा गया है, कौन सा काइनेटिक एनर्जी ग्राफ करेक्ट है। ठीक है, अपन जानते हो बच्चों यहाँ पे पार्टिकल जब अपनी मीन पोजिशन होता है माध्य स्थिति पे वहां पे इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है मीन अवस्था पे, मीन पोजिशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ठीक है, उसके बाद जब ये एक्सट्रीम तक पहुंचता है, अच्छा मीन से बच्चों एक्सट्रीम तक जाने का टाइम कितना लगता है T/4। ठीक है, टोटल टाइम पीरियड अगर टी है तो मीन से एक्सट्रीम तक जाने का टाइम T/4 लगता है, T/4 के बाद इसकी स्पीड जीरो आती है एक्सट्रीम पोजिशन पे, चरम अवस्था पे इसकी स्पीड जीरो है, काइनेटिक एनर्जी जीरो है। तो देखिए T/4 के अकॉर्डिंग कौन सा ग्राफ आ जाएगा, ये प्रारंभ में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, ठीक है मैक्सिमम, और बाद में कितनी हो गई है जीरो हो गई इस जगह, तो T/4 पे जीरो हो रही है, तो हम इसका कौन सा आंसर कर सकते हो बच्चों, सेकेंड आंसर इसका हो जाएगा ये सेकेंड आंसर। ठीक है, क्योंकि T=0 पर, ठीक है टाइम T=0 पर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या बच्चों मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ठीक है, फिर T=T/4 पर, T/4 पे KE = क्या हो जाएगा बच्चों जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए सेकेंड आंसर अपन टिक करेंगे इसका। ओके, बात पल्ले पड़ी, चलो अब आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अर्थ क्वेश्चन आपसे कह रहा हूँ, डिफरेंट डिफरेंट आइसोथर्मल प्रोसेस आपको दिखा रखे हैं। ठीक है, यहाँ बच्चों हमें इनकी जो गैस की मात्रा है M1 M2 मास है इनके बारे में बताना है। अच्छा बच्चों देखो यहाँ पे एक काम करें, अगर बच्चों मैं यहाँ पे इसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊँ इस तरह से, मतलब बच्चों इस तरह से अपन एक क्षैतिज रेखा खींचे हॉरिजॉन्टल लाइन, देखिए कुछ इस तरह से इवन एक रेखा खींची इस तरह से, ये रेखा किस बता रही है पी के परपेंडिकुलर है, मतलब पी बराबर कॉन्स्टेंट रेखा है बच्चों ये P = कॉन्स्टेंट लाइन, तो P = कॉन्स्टेंट लाइन अपने ड्रॉ करी। ठीक है, अच्छा देखो दो जगह काट रही है, एक तो यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है, इसको नीचे लेके आए, नीचे लेके आएंगे तो ये पॉइंट देखो M1 वाला ग्राफ है पॉइंट्स बताएगा V1 को। ठीक है, इस M2 को नीचे लेके आए, ये वाला पॉइंट्स बताएगा V2 को। ठीक है, बात पहले पड़ी, तो V1 एंड V2 में दिख रहे हैं। अब आप जानते हो गैस इक्वेशन जो होती है क्या होती है, गैस इक्वेशन PV = μRT, म्यू को लिखते हैं अपन M/MWRT। ठीक है, गैस इक्वेशन PV = m/MWRT अपन जानते ही है। अब बच्चों अपन ने P = कॉन्स्टेंट लाइन खींची, मतलब एक तो ये कॉन्स्टेंट है, ठीक है MW भी फिक्स है, R भी फिक्स है, टेम्परेचर भी आपको फिक्स दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, समान टेम्परेचर देखे, अब देखिए यहाँ पे V = m, मीन्स m = क्या होगा बच्चों वॉल्यूम। तो यहाँ पे ग्राफ में देखिए V1 स्मॉल है, ठीक है इन ग्राफ में अपन देखे बच्चों V1 आपको लेस देन V2 दिख रहा है। ठीक है, इससे बच्चों यहाँ पे M1 इज लेस देन क्या जाएगा M2। ठीक है, M1 इज लेस देन M2, तो कौन सा आंसर टिक करेंगे बच्चों ये थर्ड, M1 इज लेस देन M2 ये आ जाएगा रिजल्ट। ओके चलो अब देखें आगे बच्चों इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कह रहा है कि यहाँ पे विद्युत चुंबकीय तरंग है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपको दे रखी है जिसकी फ्रीक्वेंसी 25 MHz एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। ठीक है, तो यहाँ से एक पॉइंट पे आपसे क्या है ई वेक्टर इतना है, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बतानी क्या होगी।
ठीक है। तो बच्चों देखो यहाँ पे आई कैप जे कैप के फॉर्म में है, तो आपको कुछ इस तरह से पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पे बच्चों देखिए ये अपन ये देखें ई वेक्टर बी वेक्टर बच्चों देखो इस तरह से ये ई वेक्टर एक्स एक्सिस के लॉन्ग इधर बच्चों यहाँ पे ये वेलोसिटी ये बच्चों इस तरफ ये एक्स एक्स तरफ वेलोसिटी ये बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड एंड यहाँ जेड एक्सिस के लॉन्ग ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरह अपन यहाँ पे समझते हैं। तो यहाँ पे जो इसकी B की डायरेक्शन है क्या होती है V क्रॉस E के अलोंग मीन्स अगर अपन B वेक्टर इज इक्वल टू देखें तो B वेक्टर की वैल्यू किधर आ रही है V क्रॉस E के अलोंग आ रही है V क्रॉस E के अलोंग है और उसका मैग्नीट्यूड अपन देखें तो यहाँ से V स्क्वायर से डिवाइड करते हैं मतलब जो फॉर्मूला होता है क्या होता है फॉर्मूला V क्रॉस E अपॉन V स्क्वायर ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला V क्रॉस E अपॉन V स्क्वायर होता है ठीक है। V यहाँ पे वेलोसिटी है V कितना होता है यहाँ पे 3 × 10⁸ ये जो वेलोसिटी होती है 3 × 10⁸ बता रही है मीटर पर सेकंड को ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे बच्चों वेलोसिटी देखिए वेलोसिटी एक्स एक्स के अलोंग वेलोसिटी में यहाँ पे देखिए एक्स एक्स के अलोंग गिवन है ठीक है एंड मैग्नेटिक फील्ड है जे इस जे के अलोंग गिवन है और मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जे के अलोंग है मैग्नेटिक फील्ड आएगा के अलोंग के डायरेक्शन में आएगा ठीक है। तो के डायरेक्शन में या तो पहला आएगा या दूसरा आंसर आएगा तीसरा आंसर आएगा। अब इसको वैल्यू पुट करके देख लें क्या बनता है बच्चों यहाँ पे V की वैल्यू पुट कर देंगे ठीक है 3 × 10⁸ यहाँ पे 3 × 10⁸ E हमें कितना रहेगा 6.3। तो दिख ही रहा है बच्चों यहाँ पे नीचे स्क्वायर है तो पावर नेगेटिव पावर 8 आ रही है ऊपर ले आएंगे नेगेटिव पावर आएगी तो सॉल्व करने पे बनेगा फर्स्ट आंसर बनेगा उसको सॉल्व करोगे तो आप ठीक है फर्स्ट आंसर बन जाएगा उसको सॉल्व करने पे ठीक है। तो अपन निकाल सकते हैं चलो अब आगे देखें। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पे इसमें आपसे बोला है कि आपसे वो फाइंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ग्लास प्लेट सेपरेट बाय डिस्टेंस 0.10 mm एंड बच्चों बोलो क्या कहना चाहते हैं देखिए क्वेश्चन समझे इस तरह बच्चों टू प्लेट्स हैं ये क्या कह रहा था वो समझे बात को यहाँ पे बच्चों इस तरह बताया गया आपको ये देखिए ये टू प्लेट्स हैं ठीक है टू हॉरिजॉन्टल प्लेट्स हैं इस टाइप से इनके बीच में बच्चों डिस्टेंस सपोज डिस्टेंस है एक्स है ये डिस्टेंस एक्स है ठीक है। यहाँ बच्चों हमने इसमें एक कोई ड्रॉप है वाटर ड्रॉप इसको अपन यहाँ पे बीच में प्रेस कर रखा है ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक तो इस जगह टच कर रही है और एक इस जगह टच कर रही है यहाँ पे वाटर ड्रॉप ठीक है यहाँ पे बच्चों क्लियर। अब इसको हम सेपरेट करेंगे इससे फोर्स अप्लाई करके इसको हम सेपरेट कर रहे हैं F ठीक है। देखिए बच्चों यहाँ पे एरिया यहाँ पे टच हो रहा है एरिया A और एक नीचे भी एरिया A टच हो रहा है ठीक है और उसको हम पुल करके सेपरेट करना है तो एरिया में टोटल चेंज कितना होगा बच्चों 2A A इधर और A नीचे की साइड में ठीक है। इसको पुल करेंगे तो टोटल चेंज इन एरिया कितना है 2 हो जाएगा। फिर अपन जानते हैं जो वर्क डन होता है वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है वर्क डन का फॉर्मूला वर्क डन इज इक्वल टू T × ∆A ठीक है T × ∆A और इस वर्क डन को अपन ऐसे ही फाइंड करते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से इसको लिख दिया हमने फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ठीक है टी डेल्टा ए यहां पे कितना है ट्वाइस ऑफ ए के इक्वल ठीक है। तो यहां से हमसे क्या फाइंड करना है फोर्स फाइंड करना है फोर्स बिटवीन दीज प्लेट्स तो F इज इक्वल टू क्या आ गया 2TA/x ठीक है 2TA/x। अब बच्चों एक काम करें हमें यहां पे देखो एक्स की इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है मास की दे रखी है इन्फॉर्मेशन ठीक है। तो एक काम करें इसको मास की फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो एक काम करें बच्चों इसमें अगर मैं ऊपर नीचे x का मल्टीप्लाई कर दूं ठीक है ऊपर नीचे हम x से मल्टीप्लाई करने लो x से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे देखिए a इंटू x क्या बन जाएगा वॉल्यूम a यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया है x इसकी थिकनेस है तो यहाँ पे ये बन गया वॉल्यूम तो क्या हो गया 2TV/x² ठीक है। अब v बच्चों यहाँ पे वॉल्यूम है वॉल्यूम को लिखते हैं मास अपॉन डेंसिटी क्योंकि हमें यहाँ पे वॉल्यूम भी नहीं दे रखा मास दे रखा है ठीक है वाटर का मास दे रखा है तो 2T/x² वॉल्यूम को रख देंगे मास अपॉन डेंसिटी ये मास अपॉन डेंसिटी दिया वॉल्यूम को बस। अब यहाँ पे देखिए सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है मास दे रखा है आपको ठीक है। डेंसिटी अपन जानते हैं पानी की डेंसिटी क्या होती है 10³ होती है ठीक है। यहाँ पे एक्स की इन्फॉर्मेशन भी दे रखी है ये डिस्टेंस ही है तो यहाँ सबको पुट करके सॉल्व कर लो तो सॉल्व करने पे बच्चों आ जाएगा रिजल्ट 1 न्यूटन ठीक है मतलब ये आंसर आएगा फर्स्ट से आप सॉल्व करने निकालेंगे ठीक है। तो ऐसे इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं चलो अब आगे देखें बच्चों इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर तो इसमें करना क्या बच्चों देखो यहाँ पे नेट इक्विवेलेंट हमें यहाँ पे निकालना है इसका इंडक्टेंस ठीक है। तो यहाँ बच्चों ये तीनों जो है क्या बना रहे हैं यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन मीन्स इसको अगर अपन कन्वर्ट करें फिगर को तो हम देखते हैं कुछ इस प्रकार से बनेगा फिगर ठीक है। ये फिगर कुछ इस तरह बनेगा तीनों का क्या बनेगा पैरेलल कॉम्बिनेशन ठीक है पैरेलल कॉम्बिनेशन यहाँ से पैरेलल कॉम्बिनेशन में प्रत्येक रू 3 दे रखी है 3 हेनरी यहाँ भी 3 हेनरी ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन अपन देखते हैं यहाँ पे
एच नेट क्या बन जाएगा यहाँ पे, एच नेट या एल नेट, जो नेट इंडक्टेंस है एल नेट इज इक्वल टू ये जाएगा एल बाई थ्री, ठीक है, एल बाई थ्री मीन्स ये जाएगा थ्री हेनरी बाई थ्री मीन्स क्या बन जाएगा ये वन हेनरी, ठीक है, ये रिजल्ट आएगा वन हेनरी, इस तरह अपन ये कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब आगे देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है बच्चों आपसे, फ्रीक्वेंसी गिवन है 250 हर्ट्ज, 56 हर्ट्ज एंड 258 हर्ट्ज, यहाँ पे हमें दो मैक्सिमा के बीच का टाइम पीरियड फाइंड करना है, दो उच्चिष्ट के बीच का टाइम कैलकुलेट करना है। तो बच्चों देखो यहाँ पे टू उच्चिष्ट के दो उच्चिष्ट के बीच मैक्सिमम टाइम पीरियड होता है t इज इक्वल टू, कैसे निकालते हैं, वन अपॉन मतलब टाइम पीरियड इज इक्वल टू वन अपॉन फ्रीक्वेंसी, ये जो बीट्स फ्रीक्वेंसी है इसका इनवर्स कर लेंगे तो टाइम पीरियड आ जाएगा बिटवीन टू मैक्सिमा। तो यहाँ पे डेल्टा n कितना दिख रहा है आपको, दोनों में डिफरेंस कितना का यहाँ पे 2 हर्ट्ज का है, डिफरेंस यहाँ पे 2 हर्ट्ज का है तो कितना आ जाएगा 0.5 सेकंड, तो फर्स्ट आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है, ऐसे इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं। चलो अब देखिए बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे इसमें कॉन्वेक्स लेंस गिवन है आपको ये, ठीक है, इस कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कितनी गिवन है आपको 10 सेंटीमीटर, ठीक है, ये फोकल लेंथ आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर गिवन है फोकल लेंथ इसकी, ठीक है, इस कंप्लीट की फोकल लेंथ आपको 10 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है, आपने कट करके इस तरह अरेंज कर दिया है, तो चलो इस तरह अपन करते हैं तो इसकी फोकल लेंथ क्या बन जाएगी 20, फोकल लेंथ डबल हो जाएगी, ठीक है, इसकी भी कट करके 20, मतलब पहले क्या थी 10 थी, अपन ने कट करके टू पार्ट्स की फोकल लेंथ कितनी होगी 20 होगी, एवरी पार्ट की फोकल लेंथ 20 होगी। अब बीच में अपन ने भर दिया वाटर, और जो देखो इस वाटर की शेप देखिए, जो इसकी शेप है ना ये कॉन्वेक्स है और अंदर वाटर की शेप क्या बन रही है कॉनकेव, ठीक है, तो इस वाटर के लिए अगर अपन देखें, इस वाटर के लिए फ्रीक्वेंसी मतलब जो इसकी यहाँ पे फोकल लेंथ होगी f, इसको अपन f डैश बोल रहे हैं, तो f डैश क्या होगी देखिए, ये शेप और इस शेप में कोई अंतर नहीं, केवल यहाँ पे ये कॉन्वेक्स है और ये कॉनकेव, और यहाँ मटेरियल हमें दे रखा है ग्लास का मटेरियल 1.5 है और अंदर अपन ने मतलब जो मटेरियल भर दिया अदर, यहाँ पे जो लिक्विड फिल किया, इस लिक्विड की रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 3 दे रखी, वाटर तो नहीं है लिक्विड है ये, ठीक है, तो चलो यहाँ पे इस f डैश का मान क्या होगा देखिए, f डैश अपन जानते हैं यहाँ पे जो फोकल लेंथ है प्रोपोर्शनल टू होता है म्यू माइनस वन, ठीक है, फोकल लेंथ प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन म्यू माइनस वन होती है, तो इस एफ डैश मतलब इसको और इसको कंपेयर कर रहे हैं, दोनों में मटेरियल का डिफरेंस है, ठीक है, मटेरियल का डिफरेंस है एफ डैश अपॉन एफ इज इक्वल टू, एफ डैश अपॉन एफ इज इक्वल टू क्या बन जाएगा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जाएगा म्यू माइनस वन अपॉन म्यू डैश माइनस वन, ठीक है, क्लियर। अब जहाँ पे म्यू, यहाँ पे म्यू पहले रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कितना 1.5 है, तो 1.5 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा 0.5, और यहाँ पे म्यू डैश कितना है इसके अंदर 3, 3 माइनस 1 करेंगे कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है, तो कितना हो चुके 1/4, ठीक है, तो एफ को कर ले आए तो एफ डैश इक्वल टू क्या जाएगा यहाँ पे एफ बाई 4, ठीक है, एफ बाई 4, तो एफ कितना बच्चों 10, तो माइनस लगा दिया मैंने माइनस ऑफ 10/4, माइनस क्यों यूज कर रहा हूँ क्योंकि ये कॉन्वेक्स है बड़े कॉनकेव है, ठीक है, फोकल लेंथ यहाँ पे एफ डैश क्या होगी नेगेटिव होगी, तो एफ डैश का मान ये आ गया। अब बच्चों देखो ये 20 20 और ये एफ डैश तीनों क्या बना रहे हैं आपस में कनेक्टेड है कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, तो यहाँ पे 1/f net इज इक्वल टू 1/20 प्लस ये इसका उल्टा कर दो तो क्या जाएगा -4/10, ठीक है, फिर प्लस ये 1/20 इन तीनों को ऐड करके निकाल लें, ठीक है, तो ऐड करके निकालने पे ये बन जाता है यहाँ पे -3/10, तो इसका उल्टा कर दो तो एफ नेट इज इक्वल टू क्या जाएगा एफ नेट इज इक्वल टू -10/3 इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो कौन सा आंसर आएगा बच्चों इसका ये -10/3 थर्ड ऑप्शन, ये इसका अपन टिक कर सकते हैं इस प्रकार से, ये रिजल्ट आ गया, ठीक है, चलो अच्छा क्वेश्चन था ये। चलो उसके बाद देखें बच्चों फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे इसमें क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ बच्चों इसमें आपको पावर है और आपसे कह रहा है कि इस बल्ब से जो रेडिएशन निकल रहे हैं उसमें 5% कौन से निकल रहे हैं विजिबल लाइट वाले, ठीक है, तो यहाँ पे 5% विजिबल लाइट है और हमें यहाँ पे इसकी विजिबल लाइट की और एवरेज इंटेंसिटी फाइंड करनी है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पावर, यहाँ पे जो इसकी पावर हो जाएगी विजिबल पावर कितनी हो चाहे विजिबल पावर की वैल्यू, यहाँ पे विजिबल पावर यहाँ पे P इज इक्वल टू कितनी हो चो 5% ऑफ 100 वाट, 5% ऑफ 100 वाट कितना बन जाएगा 5 वाट हो जाएगा, ठीक है 5 वाट। अब पावर देखिए, अब हमें इंटेंसिटी फाइंड करनी है, तो इंटेंसिटी I इज इक्वल टू क्या होता है पावर अपॉन एरिया, ठीक है, तो पावर अपॉन एरिया मीन 4π डिस्टेंस r² के अकॉर्डिंग देख लिया अपन ने, ठीक है, तो वैल्यूज पुट कर दो
ठीक है, पी हमें 5 दे ही रखा है, ठीक है, यहाँ पे 4, पाई को रख देंगे 3.14, एंड आर यहाँ पे डिस्टेंस है, डिस्टेंस 10 मीटर दे रखी है, 10 स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ से हम सॉल्व कर निकाल लेंगे, तो सॉल्व करने पे ये बन जाता है 0.004 का समथिंग, ठीक है, ये बन जाता है रिजल्ट, तो कौन सा आंसर आ जाएगा, थर्ड, तो इससे अपन थर्ड को टिक कर सकते हैं, क्लियर, तो थर्ड इसका आंसर आ जाएगा, बात पहले पड़ी, चलो अब देखें यहाँ पे इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, देखिए 15 में आपसे कह रहा है कि यहाँ पे जो फिजिकल क्वांटिटी है, यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी जो ए पी क्यू आर एस पे स्टार से डिपेंड कर रही है, हमें यहाँ पे मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन ए फाइंड करनी है, तो जो परसेंटेज एरर इन ए अपन देखें तो इज इक्वल टू जितनी पावर से सबको फ्रंट में लाके मल्टीप्लाई कर लेंगे, पी पे पावर कितनी है, रूट है, मतलब हाफ, तो हाफ ऑफ परसेंटेज पी, ठीक है, प्लस क्यू पे भी कितनी पावर है, रूट, मतलब हाफ पावर है, तो हाफ ऑफ परसेंटेज क्यू, ठीक है, प्लस फिर यहाँ पे आर, आर पे पावर 2 है तो 2 ट्वाइस ऑफ परसेंटेज आर, ठीक है, एस पे कितनी पावर है, 3, तो 3 परसेंटेज एस, ठीक है, ये लिख दिया अपन ने, अब यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करें बच्चों, यहाँ पे बस वैल्यू पुट करो, पी में परसेंटेज पावर 1 है तो 1, ठीक है, हाफ, क्यू में परसेंटेज पावर कितनी है, 3 है, ठीक है, आर में परसेंटेज पावर 0.5 है, 0.5, ठीक है, फिर एस में परसेंटेज पावर 0.33 है, तो इन चीज सबको ऐड करना है, ये 3/2, 1/2, 2 तो ये हो गया, 1, 3 हो गया, ठीक है, और 3 और 1, 4%, टोटल कितना जाएगा, 4% बन जाएगा रिजल्ट, सॉल्व करेंगे तो थर्ड आंसर आ जाएगा, ठीक है, ऐसे अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, चलो अब देखें यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद देखें 16th क्वेश्चन, 16th क्वेश्चन बच्चों आपसे क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए इसमें एक एम मास का पार्टिकल है जो बाहर रखा हुआ है और एक ये स्फेरिकल शेल है, ठीक है, इसका मास भी एम है, हमसे कह रहा है कि यहाँ पे इस सेंटर पे, ठीक है, सेंटर पे यहाँ बता रहे हैं कि पोटेंशियल, मतलब एक तरह से गुरुत्वीय क्षेत्र और गुरुत्वीय विभव के मान, मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जीरो है या नॉन जीरो है, ये हमें चेक करना है बच्चों, तो देखिए इस पॉइंट पे हमें फील्ड एंड पोटेंशियल चेक करें तो हमें दोनों का इफेक्ट देखना पड़ेगा, पहले इसका इफेक्ट देखेंगे, इसका इफेक्ट, तो सेंटर पे फील्ड तो जीरो आएगा, ठीक है, सेंटर पे फील्ड जीरो आएगा, एंड बच्चों पोटेंशियल की वैल्यू नॉन जीरो आएगी, पोटेंशियल तो हम जानते हैं जो सरफेस पे था वही अंदर सब जगह होगा, अगर होलो स्फीयर है तो, ठीक है, तो अंदर सब जगह फील्ड तो जीरो है इस सेंटर पे इसकी वजह से, बट इसकी वजह से कोई ना कोई फील्ड आएगा इस पार्टिकल वजह से, इसका खुद का फील्ड जीरो है बट इस पार्टिकल का यहाँ पे फील्ड नॉन जीरो होगा, मतलब सेंटर पे फील्ड तो क्या है नॉन जीरो, क्यों, खुद का फील्ड जीरो है स्फीयर का बट पार्टिकल की वजह से फील्ड अप्लाई हो रहा है, एंड बच्चों पोटेंशियल यहाँ पे खुद का ही पोटेंशियल होगा, इसका भी दोनों का पोटेंशियल आएगा, तो पोटेंशियल भी नॉन जीरो है एंड फील्ड भी नॉन जीरो है, तो यहाँ से हम क्या टिक करेंगे, फोर्थ, बोथ आर नॉन जीरो, ठीक है, ये अपन समझ सकते हैं, चलो अब देखें यहाँ पे इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे कह रहा है, देखिए इसके अंदर आपको पोटेंशियल एनर्जी रखी है और हमें यहाँ पे इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, ठीक है, बच्चों देखो पोटेंशियल एनर्जी पहले हम देखें यहाँ पे एफ, ठीक है, वैल्यू ऑफ एफ क्या होती है, बच्चों देखो वैल्यू ऑफ एफ, ठीक है, F is equal to minus du upon dx, ठीक है, F is equal to minus du upon dx, इसका कर दें differentiation, तो differentiation करेंगे, तो क्या जाएगा बच्चे यहाँ पे, differentiation करने पे 0 plus यहाँ पे alpha 2x, x का अगर differentiation 2x हो गया, ठीक है, और F बराबर अपन जानते हो यहाँ पे क्या होता है, kx होता है, ठीक है, तो x x cancel, तो k is equal to कितना है, 2 alpha, ठीक है, अब time period का जो formula है, t is equal to 2 pi root of m upon k, ये अपन जानते हैं t is equal to 2 pi root of m upon k, k और तो 2 alpha, ठीक है, तो k को अपन 2 alpha पुट कर देंगे, तो ये 2 alpha, ठीक है, ये 2 alpha, ये अपन रख दिया, k को 2 alpha पुट कर दी, अब यहाँ पे 2 को अंदर ले आओ चाहो तो 2 को अंदर ले आएंगे तो 4 हो जाएगा, 4 m upon 2 alpha, तो 2 से 4 2 times cancel, तो pi 2 m upon alpha, ठीक है, तो कौन सा आंसर आ रहा है, ये आ जाएगा थर्ड, ठीक है, pi रूट ऑफ 2 अपॉन अल्फा, ये अपन टिक कर सकते हैं, ठीक है, चलो अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ बच्चों इसमें क्वेश्चन नंबर 18 में आपको बता रहा है कि ग्राफ दिए हुए यहाँ पे कुछ, ठीक है, ये ग्राफ गिवन है आपको, एक आदर्श गैस के लिए दाब और ताप के मतलब एक आइडियल गैस है, इसके लिए प्रेशर वर्सेज टेम्परेचर ग्राफ आपको गिवन है, ठीक है, आपसे कह रहा है कि इसके करस्पॉन्डिंग डेंसिटी वर्सेज वॉल्यूम ग्राफ क्या होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है, तो बच्चों यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसके अंदर अपन देखें इसमें यहाँ पे तो जो प्रेशर यहाँ पे अगर अपन देखेंगे इसमें बी ए टू बी ये जो ग्राफ है टेम्परेचर क्या बच्चों कांस्टेंट,
ए से बी तक के लिए टेम्परेचर कॉन्स्टेंट हमें दिख रहा है, ए से बी तक के लिए टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, सी से डी तक के लिए भी टेम्परेचर यहाँ पे कॉन्स्टेंट आ रहा है। ठीक है, तो जो देखो यहाँ पे आपसे क्या बोला मैंने, यहाँ पे इसमें सी टू डी एंड ए टू बी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, ठीक है, बट यहाँ से बी से लेकर जो सी दिख रहा है बच्चों, पी वर्सेस टी ग्राफ बी टू सी स्ट्रेट लाइन है, ए टू डी भी स्ट्रेट लाइन है, मीन्स पी वर्सेस टी ग्राफ स्ट्रेट लाइन मीन्स प्रेशर प्रोपोर्शन टू टेम्परेचर मीन्स वॉल्यूम कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अपन जानते हैं जो गैस इक्वेशन होती है क्या होती है बच्चों, गैस इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू म्यू आर टी, ठीक है, पी वी इज इक्वल टू म्यू आर टी, तो यहाँ पे हम देखें प्रेशर वॉल्यूम को लिखते हैं मास अपॉन डेंसिटी, लिखते हैं बेटा मास अपॉन डेंसिटी, ठीक है, म्यू रख दें एम अपॉन एम डब्ल्यू आर टी, ठीक है, तो बच्चों एम से तो एम कैंसिल, हमें यहाँ पे डेंसिटी की डिपेंडेंस चेक करनी है क्योंकि सारे ग्राफ डेंसिटी के हैं, तो यहाँ से मैं डेंसिटी कैलकुलेट करूँ तो डेंसिटी इज इक्वल टू रो बदल ले तो पी एम डब्ल्यू अपॉन आर टी। ठीक है, तो जो पी एम डब्ल्यू अपॉन आर टी, तो चलो तो यहाँ पे इसमें देखें पी अपॉन टी स्लोप, यहाँ पे देखिए बी से लेकर सी तक एंड डी टू ए, यहाँ पे पी अपॉन टी सेम है, मतलब सेम तो ही बोलेंगे बोलेंगे कॉन्स्टेंट है। ठीक है, तो देखिए बी टू सी एंड बी टू सी एंड बचा बी टू सी, हम देखें यहाँ पे ये वैल्यू पी अपॉन टी इज इक्वल टू फिक्स्ड, ठीक है, फिक्स्ड है कि नहीं है, स्लोप फिक्स्ड है, दिख ही रहा है, तो जो यहाँ पे B से लेकर C तक के लिए कोई ग्राफ आएगा नहीं, एक पॉइंट बनेगा, तो इसे यहाँ देखें बच्चों ये रहा B एंड C, B से लेकर C तक के लिए पॉइंट है, ऐसे बच्चों D टू A भी अगर आप देखोगे तो D टू A भी P अपॉन T के लिए क्या बच्चों फिक्स्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी ग्राफ क्या बच्चों पॉइंट के फॉर्म में आएगा ये, तो इसमें और कोई ऑप्शन ही नहीं, ये टिक कर लेंगे अपन तो सेकंड आंसर आ जाएगा इसका, इस तरह अपन ये टिक कर सकते हैं, बात पल्ले पड़ी। ठीक है, चलो अब आगे देखें उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 बच्चों आपसे यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, हीट इंजन की इन्फॉर्मेशन दे रखी है, टेम्परेचर गिवन है आपको उसके अंदर, ठीक है, यहाँ पे 227 एंड 127 आपसे कह रहा है इतनी किसने अब्जॉर्व कितनी हीट करी, 10^4 जूल हीट अब्जॉर्व कर रहा है, एंड वर्क डन फाइंड करना है, तो बच्चों एफिशिएंसी अपन जानते हैं, एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या होती है बच्चों, यहाँ पे वर्क डन अपॉन हीट गिवन हीट, ठीक है, और इज इक्वल टू क्या होता है 1 - T2/T1, ठीक है, 1 - T2/T1 मींस रेशियो ऑफ टेम्परेचर, तो 1 माइनस, अब बच्चों T2 एंड T1, इसमें T2 T1 में जो छोटा वाला टेम्परेचर है वो T2 अपन यूज कर रहे हैं ऊपर ऊपर उसको ऊपर रखेंगे, तो छोटा टेम्परेचर ये 127 है, इसको हम केल्विन में चेंज करें कितना बन जाएगा ये 400 केल्विन, और जो ये T1 लार्ज वाला टेम्परेचर है जो 227 है इसको हम कन्वर्ट करें केल्विन में तो कितना जाएगा ये 500 केल्विन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों 1 माइनस, ये 2 ये तो कट गया 4/5, 1 - 4/5 मींस 1/5, ठीक है 1/5, तो देखो W इज इक्वल टू क्या जाएगा Q को भेज दें तो Q/5, तो Q हमें यहाँ पे दे रखा है 10^4 जूल मींस 10,000 डिवाइड बाय 5 करोगे तो 2000 आ जाएगा। ठीक है, तो कौन सा आंसर आ गया, ये आ गया फर्स्ट, ठीक है 19 का फर्स्ट, ये अपन टिक कर सकते हैं, क्लियर। चलो अब आगे देखें बच्चों उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, इसमें 2 वेव्स आपको गिवन है, 2 प्रोग्रेसिव वेव्स गिवन है, प्रगामी तरंगें दे रखी हैं, ठीक है, एंटीनोड्स के बीच की डिस्टेंस पूछी गई, निष्पंदों के बीच की दूरी, तो जो 2 एंटीनोड्स के बीच की डिस्टेंस क्या होती है λ/2 के इक्वल, ठीक है, तो हमें λ/2 फाइंड करना है, तो देखिए इसमें जो यहाँ पे 3/2 के अंदर मल्टीप्लाई करें चाहे मल्टीप्लाई करें तो एक्स का जो मल्टीप्लायर है वो किसको शो करता है, के को, तो के बराबर यहाँ पे कितना है एक्स का गुणनफल जो कितना है 3/2 है कि नहीं है, के यहाँ पे 3/2 आ रहा है। अब लैम्डा फाइंड करें तो लैम्डा इज इक्वल टू अपन जानते हैं 2π/k होता है, तो 2π/k तो 2π/3/2, तो क्या हो गया बच्चों ये हो गया 4π/3। ठीक है, अब बच्चों एंड टू एंड जो डिस्टेंस है, एंड टू एंड डिस्टेंस, ठीक है, निष्पंदों के बीच की डिस्टेंस, या बच्चों देखो यहाँ पे एंटीनोड्स को वैसे अपन प्रस्पंद बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पे 2 क्रमागत एंटीनोड्स क्या होते हैं बच्चों, प्रस्पंद होते हैं, यहाँ निष्पंद लिख दिया चलो उसको दिक्कत नहीं है क्योंकि निष्पंदों के बीच की दूरी भी क्या होती है, चाहे प्रस्पंदों के बीच की दूरी पूछे चाहे निष्पंदों के बीच की दूरी वही λ/2 ही होती है। ठीक है, तो λ/2 एन से एन तक की डिस्टेंस एंड ए टू ए जो डिस्टेंस होती है ये क्या होती है बच्चों, ये λ/2 होती है, तो λ/2 रख देंगे तो λ/2 का जगह पे 2π/3 ये जाएगा रिजल्ट, तो कौन सा ऑप्शन आ गया 4, कहां से यह आंसर जाएगा 4 का जाएगा इसका आंसर, क्लियर। चलो अब देखें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे कह रहा है कि यहाँ पे इस देखिए एक कॉन्वेक्स लेंस है,
ठीक है, इस पे सनलाइट फॉल हो रही है जिसकी वजह से आर रेडियस का इसका क्या बन रहा है, इमेज बन रही है। इमेज अपन जानते हो सन काफी डिस्टेंस पे होता है, इमेज का मतलब है फोकस पे, ठीक है। इस तरह बच्चों देखो यहाँ पे ये लेंस है, इसकी इमेज जो बन रही है यहाँ पे इस लेंस की हेल्प से अपन जो देख रहे हैं इमेज यहाँ बन रही है फोकस बन रही है, इमेज इस तरह से यहाँ बन रही है फोकस पे, ठीक है। यहाँ से तक इसका जो डायमीटर है वो कितना जाएगा, मतलब रेडियस क्या जाएगी 2R हो जाएगी, इसकी रेडियस 2R हो जाएगी, आर मतलब यहाँ से डायमीटर 2R हो जाएगा, रेडियस R बच्चों, ये रेडियस इसकी R है तो डायमीटर 2R। अब बच्चों देखो यहाँ से इसको अगर मिलाएं अपन, देखो इसको यहाँ से इसको मिलाएं अपन, यहाँ से इसको, यहाँ से इसको, यहाँ से इसको मिलाया जाए तो यहाँ से ये एंगल, इसको हम क्या बोलेंगे थीटा, इस एंगल को हम थीटा बोल रहे हैं, ठीक है, इस एंगल को हम थीटा लिख रहे हैं। तो अच्छा यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है क्या है, एफ के इक्वल फोकल लेंथ जो होती है एफ, ठीक है एफ। अब यहाँ जो इमेज बनी है देखिए इमेज, तो इमेज का जो साइज है क्षेत्रफल है वो किस कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका जो इमेज का जो एरिया है तो एरिया इज इक्वल टू क्या है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इमेज का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो सही बात है पाई आर स्क्वायर ही सही। अब यहाँ पे जो क्षेत्रफल है जो एरिया है यहाँ पे ये इसकी फोकल लेंथ के साथ क्या डिपेंडेंसी वो चेक करें अपन। देखिए एंगल इज इक्वल टू अपन जानते हैं आर अपॉन रेडियस, आप जानते हो कोण बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या, होता नहीं होता बचपन में पढ़ाई होगा आपने, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। तो आर्क यहाँ पे कितना, ये 2R, और यहाँ पे इसकी जो रेडियस है एफ के इक्वल आ रही है, ठीक है। मतलब ये जो सेक्टर बन रहा है ना सेक्टर, ये एंगल, ये पूरी डिस्टेंस रेडियस हो जाएगी, ये सॉरी आर्क हो जाएगा 2R और ये रेडियस आएगी एफ, ठीक है। तो यहाँ से हम देखें एफ, तो यहाँ पे देखिए यहाँ से आर इज इक्वल टू निकालें वैल्यू ऑफ आर कितनी आएगी, आर इज इक्वल टू, आर इज इक्वल टू अगर आप निकालेंगे तो वैल्यू ऑफ आर आ जाएगी एफ थीटा बाई टू, एफ थीटा बाई टू। तो देखिए बच्चों एरिया, एरिया समानुपाती क्या आ रहा है आर स्क्वायर, एंड आर को अपन एफ थीटा बाई टू रख देंगे एफ थीटा बाई टू, तो यहाँ से प्रोपोर्शनल टू क्या जाएगा एफ स्क्वायर, तो एरिया इज प्रोपोर्शनल टू एफ स्क्वायर, तो क्या जाएगा आंसर सेकेंड, ठीक है। तो अपन इससे सेकेंड आंसर टिक कर सकते हैं इसको, क्लियर। चलो अब आगे देखें क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 इस टाइप से आपको कई सारे कैपेसिटर दिए हैं, सारे के सारे 8 माइक्रोफैरड 250 वोल्ट के हैं, इससे हमें ये वाला सिस्टम बनाना है तो नंबर ऑफ कैपेसिटर फाइंड करने हैं। देखो एक डायरेक्ट ट्रिक होती है नंबर ऑफ कैपेसिटर्स की, ठीक है, एन इजल टू क्या ट्रिक बच्चों, ऐसे निकाल सकते नंबर ऑफ कैपेसिटर, मैक्सिमम कैपेसिटर एन इजल टू सी नेट अपॉन सी, जैसे अपन जानते हैं ना एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ सी वी स्क्वायर, ठीक है, हाफ सी वी स्क्वायर मीन्स एनर्जी प्रोपोर्शनल टू सी एंड प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। तो यहां से एन इज इक्वल टू सी नेट अपॉन सी, ठीक है, एंड वी नेट अपॉन वी होल स्क्वायर, इससे निकाल लो टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटी डायरेक्टरी के निकालने की। तो यहाँ पे सी नेट कितना है, नेट कैपेसिटी कितना है 16, और ये सी कितनी है 8 है, ये रख दी, और जो वोल्टेज नेट कितना करना है 1000, और फर्स्ट वोल्टेज पे जो है इंडिविजुअल वोल्टेज 250 स्क्वायर, ठीक है। तो क्या जाएगा यहाँ पे, ये तो गया 2, और ये कितना जाएगा 4 का स्क्वायर 16, तो कितना हो गया 32। तो ऐसे हम निकालते हैं डायरेक्ट नंबर ऑफ कैपेसिटी इस ट्रिक से, ठीक है, 32 ये जाएगा रिजल्ट, ओके। चलो अब आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा बच्चों टू रेजिस्टेंस गिवन है R1 R2, इन्हें आपस में हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया है, तो आपसे कह रहा है इनका नेट रेजिस्टेंस R है, तो R क्यों लिखा होगा अपन जानते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस और ज्यादा डिक्रीज हो जाता है, रेजिस्टेंस और ज्यादा डिक्रीज हो जाता है, इसलिए जो पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस आएगा वो छोटे रेजिस्टेंस से भी छोटा आएगा, तो छोटा दोनों में इसको है R1 से भी लेस मिलेगा, तो क्या जाएगा R is less than R1, मतलब हम यहाँ पे टिक कर सकते हैं ये आता है नेट रेजिस्टेंस, ठीक है। चलो उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 23 के बाद क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन 24 इस टाइप से ये आपको एक एसी गिवन है आई इज इक्वल टू I1 cos ओमेगा t प्लस I2 sin ओमेगा t, इसकी RMS वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो सिंपल हो चुके, तो RMS वैल्यू अपन को पता ही है क्या होता है, IRMS इक्वल टू, जब भी आपको यहाँ पे ये इक्वेशन इस फॉर्म में दे रखी है, ठीक है, a cos ओमेगा t, a sin ओमेगा t ग्रुप में, तो बच्चों चलो पहले यहाँ पे इसके अंदर अपन देखें यहाँ पे जो आई नोट होती है इसकी पीक वैल्यू क्या होती है, इसकी पीक वैल्यू रूट ऑफ I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है, a sin a cos omega t प्लस b sin omega t की फॉर्म में कोई इक्वेशन है तो उसकी पीक वैल्यू क्या होती है, ये होती है। अब बच्चों हम जानते हैं फिर IRMS क्या होता है, आई नोट अपॉन रूट टू, तो इसमें रूट टू कर दो डिवाइड, तो आ जाएगा I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर डिवाइड बाय रूट टू, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है यहाँ पे थर्ड, ठीक है, तो ये थर्ड इसका आंसर हो जाएगा, इसे अपन चेक कर सकते हैं, क्लियर। चलो अब आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, देखिए क्वेश्चन 25 में यहाँ पे कह रहा है कि फोटो कैथोड्स पे F1 F2 की लाइट अपन इंसिडेंट करें
और इनकी वेलोसिटी वी वन वी टू है, तब वी वन माइनस वी टू की वैल्यू क्या होगी ये हमें चेक करनी है। अच्छा बच्चों अपन जानते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो हाफ एम वी स्क्वायर होता है, हाफ एम वी स्क्वायर मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती है बच्चों, यहाँ पे एच न्यू माइनस फाई नॉट, ठीक है ये होती है, मतलब यहाँ पे ये ई फोटोन है एंड ये वर्क फंक्शन है, फोटोन एनर्जी में से वर्क फंक्शन माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा बच्चों, यहाँ पे हमें यहाँ पे एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों देखो अब यहाँ पे इसको अगर अपन माइनस करें, यहाँ पे एक बार लिखते हैं वी वन, तो यहाँ पे एच न्यू वन हो जाएगा, फिर हाफ एम वी टू स्क्वायर कर दें तो यहाँ पे एच न्यू टू माइनस फाई टू फाई नॉट, ये इक्वेशन वन ये इक्वेशन नंबर टू। अब इन दोनों को अगर अपन सब्ट्रैक्ट करें तो वन माइनस टू कर रहा हूँ मैं, इक्वेशन वन माइनस टू, यहाँ से वन माइनस टू करेंगे तो हाफ एम तो कॉमन ले लो तो वी वन स्क्वायर माइनस वी टू स्क्वायर, ठीक है बराबर ये तो कट जाएगा, तो एच न्यू वन माइनस न्यू टू, न्यू वन न्यू टू यहाँ पे एफ वन एफ टू बोला कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ से हमें वी वन वी टू निकालना है तो वी वन स्क्वायर माइनस वी टू स्क्वायर बराबर उधर भेज दो टू एच अपॉन एम, टू एच अपॉन एम ब्रैकेट में न्यू वन माइनस न्यू टू, तो देखिए कौन सा ऑप्शन ऐसा आ रहा है, तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन न्यू वन स्क्वायर वी वन स्क्वायर माइनस वी टू स्क्वायर इक्वल टू टू एच अपॉन एम न्यू वन माइनस न्यू टू, तो ये आंसर आएगा इसका 25 का सेकेंड, ठीक है। तो इसे अपन देखते हैं 25 का आंसर सेकेंड बनेगा, बात पल्ले पड़ी। तो जो अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 26, ठीक क्वेश्चन नंबर 26 में आपसे कह रहा है यहाँ पे इसके अंदर रेडियोएक्टिव जो विक्टन है, ठीक मीन रेडियो डीके यूरेनियम 9-228 न्यूक्लियस है, ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है बच्चों, ये इस तरह से 91-234 इसमें कन्वर्ट हो रहा है। आपसे पूछा कि किसमें क्या किसका इमिशन हुआ ये निकालना है, तो बच्चों यहाँ पे आप गौर से किए यहाँ पे 238 से 234 हो गया है, इसका मतलब एक अल्फा पार्टिकल निकला होगा, ये एक अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो हम जानते हैं मास में 4 का डिक्रीमेंट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे 92 से 91 हुआ है, ठीक है अगर एक अल्फा पार्टिकल निकलता है तो हम जानते हैं यहाँ पे जो इसमें जो एटॉमिक मास नंबर एटॉमिक जो नंबर है इसमें 2 का डिक्रीमेंट होना चाहिए था, तो 92 से 90 जाना चाहिए था लेकिन यहाँ पे 91 हो गया है, इसका मतलब अल्फा पार्टिकल के बाद एक बीटा पार्टिकल भी निकला है जिसकी वजह से जेड में यहाँ पे 1 में इंक्रीमेंट हो गया है, तो एक अल्फा पार्टिकल और एक बीटा पार्टिकल इमिट होंगे, मैं कौन सा आंसर टिक करेंगे यहाँ पे सेकंड, ठीक है आई बस समझ में। चलो अब आगे देखें क्वेश्चन नंबर 26 के बाद 27 देखें, 27 इसमें आपसे कह रहा हूँ यहाँ पे इसमें इससे डायोड है हमें यहाँ पे करंट की वैल्यू फाइंड करनी है इसमें, तो चलो आपसे कह रहे हैं देखो यहाँ से करंट स्टार्ट होगी यहाँ पे इस तरह से फ्लो होगी इसमें करंट, ठीक है ये तो रिवर्स बायस में, ठीक है ये फॉरवर्ड बायस में गिवन है हमें दिख रहा है फॉरवर्ड बायस, ये रिवर्स बायस में, ठीक है तो इसमें तो करंट जाएगी नहीं, ठीक है इसमें करंट जाएगी नहीं, इसमें करंट जाएगी ऊपर, तो आप देखिए फॉरवर्ड बायस का रेजिस्टेंस कितना गिवन है आपको, यहाँ पे रेजिस्टेंस है 50 ओम, मतलब इसका रेजिस्टेंस 50 ओम गिवन है, ठीक है। तो यहाँ सब नेट करंट फाइंड करें आई, आई इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों ई नेट अपॉन आर नेट, आई इज इक्वल टू ई नेट अपॉन आर नेट, नेट ईएमएफ अपॉन नेट रेजिस्टेंस, तो नेट ईएमएफ कितना है यहाँ पे 6 वोल्ट है कि नहीं है, नेट रेजिस्टेंस कितना बच्चों, नेट रेजिस्टेंस 100 प्लस 50 प्लस 150, ठीक है तो यहाँ से नीचे कितना हो गया, नीचे हो गया 300, तो 6/300 करेंगे तो कितना यहाँ पे 2, ठीक है तो 0.02 यह जाएगा रिजल्ट, तो 0.02 तो कौन सा आंसर आएगा सेकंड, ठीक है तो सेकंड आंसर अपन टिक कर लेंगे, ठीक है। चलो अब आगे देखें क्वेश्चन नेक्स्ट 28th क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ बच्चों इसमें 2 चार्ज पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में फोर्स कितना है एफ दे रखा है, अब यहाँ पे कह रहे हैं दोनों को हम एफ माध्यम में ले जा रहे हैं, इसका परावर्तकांक 4 है, मींस एप्सिलॉन आर वैल्यू 4 गिवन है आपको, ठीक है एप्सिलॉन 4 गिवन है और डिस्टेंस अपने हाफ कर दी है, तो यहाँ पे फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखिए अपन जानते हैं जो फोर्स एफ, एफ इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है 1/εr, ये तो मीडियम का इफेक्ट हो गया एंड डिस्टेंस का इफेक्ट क्या होता है 1/r², ठीक है। तो यहाँ से हम देखें इसने मीडियम को तो कितना कर दिया बच्चों, अपन ने मीडियम को तो 4 टाइम्स कर दिया है, मीडियम तो अपन ने कर दिया 4 टाइम्स एंड डिस्टेंस कितनी कर दी हाफ कर दी है, हाफ स्क्वायर इतने टाइम्स हो जाएगा रिजल्ट, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 4 से 4 कट गया तो कितना बन गया इक्वल टू 1 टाइम्स, ठीक है दिस इंप्लाइज 1 टाइम्स, ठीक है 1 टाइम्स हो जाएगा रिजल्ट, तो क्या जाएगा रिजल्ट एफ डैश इक्वल टू एफ, एफ डैश इक्वल टू एफ यह जाएगा रिजल्ट, तो कौन सा आंसर आएगा इसका 4th, ये अपन टिक कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आपसे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे जो यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट है उड्डयन काल, ठीक है और मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का जो टाइम टीएम है, अपन जानते हो यहाँ से तक का जो टोटल टाइम होता है, ये टोटल टाइम ये कितना होता है टी इज इक्वल टू कैपिटल टी, ठीक है पूरा कंप्लीट टाइम ऑफ फ्लाइट,
ठीक है, और यहां तक पहुंचने का जो टाइम होता है, यहां से लेकर यहां तक का जो पहुंचने का टाइम है, ये कितना होता है, t इज इक्वल टू हाफ ऑफ टी एफ, ठीक है, टी एफ बाई टू ये होता है हाफ, ठीक है। तो यहां से कौन सा ऑप्शन होगा, जो टी एफ इज इक्वल टू, तो यहां से देखेंगे टाइम जो दे रखा है टी एम दे रखा है, टाइम टी एम, तो यहां से क्या रिलेशन आ गया इसमें, टी एफ बराबर ट्वाइस ऑफ टी एम, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे अपन टिक कर सकते हैं 29 का फर्स्ट, टी एफ इज इक्वल ट्वाइस ऑफ टी एम। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 आपसे कह रहा हूं, यहाँ पे एट सरफेस विल बी एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इफ, मतलब जो सम व्यू प्रश्न है उसके बारे में आपसे पूछ रहा है। तो बच्चों आपसे कह रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ऑल पॉइंट्स इज नॉन जीरो, जरूरी नहीं बच्चों जी नॉन जीरो हो, जीरो भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब पोटेंशियल सेम होना चाहिए सब जगह, चाहे जीरो हो चाहे नॉन जीरो, ठीक है। तो पहला तो रॉन्ग हो गया, ठीक है। सेकंड कह रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ऑल पॉइंट्स, सॉरी ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट में यहाँ पे कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इज टेंजेंशियल टू द सरफेस ऑफ ऑल पॉइंट्स, सतह के सही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र जो होता है बच्चों पैरेलल नहीं होता, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है बच्चों, इस तरह से इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, इस तरह से देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है। यहाँ बच्चों पोटेंशियल वी वन है या पोटेंशियल वी टू है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बच्चों, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम जानते हैं सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, किधर, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, मान लो ये हाई पोटेंशियल है ये लो पोटेंशियल है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे फील्ड की डायरेक्शन होती है, इस तरह फील्ड की डायरेक्शन हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है तो रॉन्ग हो गया, क्योंकि टेंजेंशियल बोला है, सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गया, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट वर्क डन कह रहा है नॉन जीरो नहीं, यहाँ से बच्चों वर्क डन जीरो, यहाँ से अपन किसी जगह यहाँ तक आए इस जगह तक, तो वर्क डन तो कितना होगा बच्चों जीरो। तो इसमें एक पोजिशन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर अपन जा रहे हैं तो वर्क डन की वैल्यू आती है बच्चों जीरो होती है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा जीरो आएगा, ठीक है। इसलिए फोर्थ ऑप्शन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट एनी पॉइंट ऑन सरफेस विल बी सेम, बिल्कुल सही है कि पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं, क्यू इंटू वी की हेल्प से, तो सब जगह वी सेम है तो पोटेंशियल एनर्जी भी सेम आएगी, तो क्या जाएगा आंसर फोर्थ, ठीक है। ये अपन देखते हैं इसमें, चलो 30 के बाद देखें क्वेश्चन नंबर 31 में बच्चों, यहाँ पे देखिए ट्रांजिस्टर की बात कर रहा है, यहाँ पे इस ट्रांजिस्टर में आपसे कह रहा है कि जो 500 ओम रेजिस्टेंस है इस पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 0.5 वोल्ट, ठीक है, संग्राहक में मतलब कलेक्टर पे। तो यहाँ से आईसी अपन निकाल सकते हैं, आईसी इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस करेंगे तो 0.5 वोल्ट अपॉन रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा इसमें 500 ओम, ठीक है। तो कितना बन गया है 10^-3 एम्पियर, या कहते हैं 1 मिली एम्पियर, ठीक है। तो 1 मिली एम्पियर क्या हो गया आईसी की वैल्यू हो गई, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे आपको एक करंट गिवन है किसमें, कॉमन बेस में, मतलब बीटा गिवन है, तो बीटा गिवन है, ये चीज क्या है बच्चों बीटा है, ये आपको बीटा गिवन है, हमें अल्फा निकालना है, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों यहाँ पे, सॉरी ये आपको अल्फा गिवन है, हमें बीटा निकालना है, ये क्या बच्चों अल्फा ही है, ठीक है, ये आपको अल्फा गिवन है, ठीक है। कॉमन बेस वाले केस में अल्फा बोलते हैं ना, तो हम पहले बीटा निकालेंगे, ये तो मैंने आईसी निकाल लिया, खैर आईसी आ गया, तो आईसी हमें अल्फा गिवन है, पहले बीटा निकालें, तो बीटा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, बीटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 1-अल्फा, ये आप जानते हैं बचपन से, ठीक है। अल्फा की वैल्यू 0.96 अपॉन 1-0.96, ठीक है, तो कितना जाएगा 24, ठीक है। तो बीटा 24 हो गया। अब बच्चों बीटा की वैल्यू होती है ये आपको पता है आईसी अपॉन आईबी होती है, आईसी अपॉन आईबी, कहां से मैं आईबी अगर फाइंड करूं तो आईबी इज इक्वल टू क्या आएगा आईसी अपॉन 24, IB is equal to IC upon 24, तो IC upon 24 करेंगे, तो IC कितना है 1 मिली एम्पियर, तो 1 मिली एम्पियर अपॉन में 24, तो कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, देखिए ये आ जाएगा फोर्थ आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अपन ऐसे टिक कर सकते हैं फोर्थ, 31 का फोर्थ, क्लियर। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इसमें आपसे क्या बोल रहा है, इसमें एक अल्फा पार्टिकल मूव करता है, प्रोटॉन से स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है। उनके बाद हमें यहाँ पे डी ब्रोगली वेवलेंथ फाइंड करनी है, तो बच्चों एक काम करें पहले कोलिजन की वेलोसिटी फाइंड करें क्या बन रही है, देखिए यहाँ बच्चों इसमें समझना क्वेश्चन को, देखिए इधर यहाँ पे इसमें एक अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल का मास आपको पता है कितना होता है 4m होता है, ठीक है। यहाँ पे अल्फा पार्टिकल का मास कितना होता है 4m, ठीक है 4m, ये आगे मूव कर रहा है, ठीक है, विद वेलोसिटी u, एंड बच्चों आगे प्रोटॉन है, इसका मास m है, ये रेस्ट कंडीशन में, ठीक है रेस्ट कंडीशन में। और बच्चों यहाँ पे इसकी वेलोसिटी मान लो v1 v2 हो गई है, इस 4m की वेलोसिटी हो गई v1, ठीक है, इस m की वेलोसिटी हो गई v2, ठीक है। तो पहले हमें यहाँ पे v1 एंड v2 फाइंड करने पड़ेंगे, तो बच्चों कैसे फाइंड करेंगे, तो मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करें पहले, p इनिशियल इज इक्वल टू p फाइनल, यहाँ लगा रहे हैं अपन मोमेंटम कंजर्वेशन। तो अच्छा मोमेंटम कंजर्वेशन से क्या आएगा, देखिए 4m into u plus 0 इज इक्वल टू 4m into v1 plus m into v2, ठीक है,
बात पहले पड़ी, तो क्या बन गया, 4u इज इक्वल टू 4v1 प्लस v2, इक्वेशन नंबर 1 तो ये हो गई। और जो सेकंड इक्वेशन अपन क्या बनाएंगे यहाँ पे, न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन से, तो क्या आएगा, u माइनस 0 इज इक्वल टू v2 माइनस v1, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इन दोनों को सॉल्व कर लें इक्वेशन 1 एंड 2 से, ठीक है, इक्वेशन 1 एंड 2 से अगर अपन सॉल्व करें तो यहाँ से ये मिलता है हमें यहाँ पे v1 इज इक्वल टू 3u अपॉन 5 एंड v2 इज इक्वल टू आपको मिलेगा यहाँ पे 8u अपॉन 5, ये रिजल्ट आएंगे v1 एंड v2 के, ठीक है, यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2 अपन सॉल्व करें तो रिजल्ट्स आते हैं। अब बच्चों देखो यहाँ पे हम देखें मोमेंटम, इसका मोमेंटम क्या जाएगा, p1 इज इक्वल टू, इसका मास कितना हो चुका 4m इंटू 3u बाई 5, ठीक है, तो कितना हो गया बच्चों मोमेंटम, ये हो गया 12 mu अपॉन 5, ठीक है। सेकंड का मोमेंटम निकालें, मास इंटू वेलोसिटी, मास तो m है एंड वेलोसिटी कितनी हो चुका 8u बाई 5, ठीक है, तो क्या हो गया ये 8mu बाई 5। अब बच्चों यहाँ पे डी ब्रोगली वेवलेंथ अपन जानते हैं लैम्डा प्रोपोर्शनल टू क्या होता है 1/p, लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1/p है, तो यहाँ पे लैम्डा 1/λ2 निकालेंगे तो क्या आएगा p2/p1, तो p2/p1 कर दें तो 8/12 मींस यहाँ पे बाकी तो कट जाएंगे, 8/12 के अकॉर्डिंग बनेगा रिजल्ट, यहाँ पे 4 से डिवाइड कर दो तो 2/3, तो कौन सा ऑप्शन है 2/3, ये रहा, ठीक है, फोर्थ आंसर आ जाएगा लैम्डा 1/λ2 2/3 के अकॉर्डिंग ये बन जाएगा रिजल्ट। ओके, अच्छा क्वेश्चन था ये, चलो आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन 32 के बाद, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये रहा 33, इस इक्वेशन में आपको ए एंड बी की डायमेंशन फाइंड करनी है, ये तो खैर सिंपल सा क्वेश्चन है, कर लिया होगा आपने। यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक्स की डायमेंशन क्या बच्चों, एल है कि नहीं है, एक्स की डायमेंशन को हम किसके बराबर करेंगे, ए टी के इक्वल, डायमेंशन ऑफ ए टी, एक्स तो यहाँ पे एल है, ए हमें फाइंड करना है, इसकी डायमेंशन टी, तो यहाँ से ए की डायमेंशन क्या हो गई एल टी माइनस 1, तो एल टी माइनस 1 हो गया। ऐसे सोचो एक्स की डायमेंशन हम यहाँ पे किसके इक्वल करेंगे, इसके इक्वल भी करेंगे बी टी स्क्वायर के, बी टी स्क्वायर तो यहाँ पे एल बी और ये डायमेंशन टी स्क्वायर, तो यहाँ से डायमेंशन ऑफ बी कितना जाएगा एल टी माइनस 2, तो कौन सा आंसर आ गया, फर्स्ट आ जाएगा इसका आंसर। ओके चलो अब देखें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 34 क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे इसमें देखिए ये सिग्निफिकेंट फिगर का क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है, और उसमें आंसर देखो यहाँ पे कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट नहीं, कैलकुलेशन तो देखेंगे लगभग ही आएंगी, लेकिन हमें यहाँ पे मेन आंसर देखना सिग्निफिकेंट फिगर में। तो जब भी बच्चों मल्टीप्लाई करते हैं तो जो यहाँ पे डाटा यूज हो रहे हैं उसमें जो स्मॉलेस्ट नसबल कम से कम जो सिग्निफिकेंट फिगर है उसी के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना पड़ता है। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 3 है, इसमें कितने बच्चों, 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर है, तो हमें आंसर में भी ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए। तो बच्चों इसमें यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें 4 हो गए, इसमें 2, तो आंसर यही टिक करेंगे अपन 2 सिग्निफिकेंट फिगर की फॉर्म में, ठीक है, तो आंसर जाएगा 3rd, क्लियर, ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो अब देखें बच्चों क्वेश्चन नंबर 35 बच्चों यहाँ पे इसमें हमें क्या निकालना है, टेम्परेचर थीटा निकालना है। देखिए यहाँ से देखिए सारे के सारे स्लैब एक के बाद एक के बाद एक कनेक्टेड है, तो बच्चों अपन जानते हैं ये सारे के सारे क्या बना रहे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन में यहाँ पे करंट सेम होती है, थर्मल करंट मीन्स रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट सेम होती है दोनों में, आई वन इज इक्वल टू क्या होगी आई टू, तो आई वन इज इक्वल टू मैंने कर दिया आई टू, अब आई इज इक्वल टू मीन्स थर्मल हीट, डी क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या होता है के ए डेल्टा टी अपॉन एल, तो के इसका के ये रहा ए, इसका एरिया ए होगा, के ए डेल्टा टी करेंगे तो 25 माइनस थीटा करेंगे, 25 माइनस थीटा अपॉन लेंथ एल, ऐसे ही सेकंड वाले के लिए के ए डेल्टा टी अपॉन एल करो, इसका के कितना है 2 के ए डेल्टा टी, डेल्टा टी यहाँ पे आएगा थीटा माइनस माइनस 5, तो थीटा प्लस 5 हो जाएगा ये, क्योंकि थीटा में से नेगेटिव 5 को माइनस करेंगे तो थीटा प्लस 5 अपॉन एल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एल से एल कट जाएगा, के ए से के ए कट जाएगा, यहाँ पे क्या है 25 माइनस थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ थीटा प्लस 10, ठीक है, यहाँ से 3 थीटा इज इक्वल टू 15, यहाँ से थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा 5, तो आंसर 3rd आएगा इसका, तो अपन 3rd आंसर टिक कर लेंगे, क्लियर। चलो अब आगे देखो उसमें क्वेश्चन नंबर 36 ये आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है, किस ऊंचाई पे गुरुत्वीय क्षेत्र पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय क्षेत्र का 75% घट जाएगा, मीन्स 75% रिड्यूस हो जाएगा, ओनली कितना बचेगा 25%, मीन्स आपसे कह रहा है कि यहाँ पे जी एच की वैल्यू कितनी गिवन है आपको, जी एच की वैल्यू जो गिवन है आपको 25% ऑफ जी गिवन है, 25% ऑफ जी मीन्स 75% डिक्रीज होगा तो बचा कितना 25%,
मींस 1/4 ऑफ g, g इज इक्वल टू अपन जानते हैं g m अपॉन r स्क्वायर होता है, एंड हाइट पे वैल्यू क्या होती है g m अपॉन r प्लस h, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल r एक्चुअल में रेडियस, ये जो रेडियस है ये रेडियस कैपिटल r है यहाँ पे कैपिटल r, और यहाँ पे ये जो r अपन यूज करेंगे g अपॉन r प्लस h स्क्वायर, ठीक है, r प्लस h होल स्क्वायर, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए gm से gm कैंसिल, दोनों तरफ इनवर्स कर दें और यहाँ पे रूट कर दें तो r प्लस h इज इक्वल टू क्या जाएगा ट्वाइस ऑफ r, यहाँ से h इज इक्वल टू क्या जाएगा r, तो इसका आंसर आ जाएगा h इज इक्वल टू r फर्स्ट, ठीक है, ऐसे अपन कर लेंगे सॉल्व, ठीक है। चलो अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, देखिए 37 में आपसे कह रहा है कि इस तरह बच्चों को एक प्लेनेट है सन के अराउंड मूव कर रहा है, ग्रह सूर्य के चारों चक्कर लगा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे जो ये एस डी सी इसका जो एरिया ही है, ये वाला जो एरिया आपको दिखाया बच्चों, ये एरिया ये क्या है इसके एरिया के डबल वाला, इसका बच्चों एरिया अगर ए है तो इसका एरिया कितना है 2a, इसका एरिया ए है इसका एरिया 2a, ये हमें गिवन है ट्वाइस ऑफ ए के इक्वल डबल एरिया गिवन है, ठीक है, एरिया यहाँ पे डबल है, तो आपसे क्या है बच्चों इसमें टाइम पीरियड अगर t1 लग रहा है, इसमें टाइम पीरियड ए से बी तक का टाइम पीरियड बच्चों इसमें t1 है, टाइम t1, तो इसका टाइम t2 हमें फाइंड करना है टाइम t2, ठीक है, इसमें टाइम t1 लग रहा है तो इसमें t2 हमें फाइंड करना है। देखिए अपन जानते हैं जब भी कोई प्लेनेट सूर्य के चारों चक्कर लगा रहा होता है बच्चों, तो उसमें उसकी जो एक तरह से यहाँ पे डी ए अपॉन डी टी है एरियल वेलोसिटी सेम होती है, मीन्स डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू फिक्स होता है यहाँ पे, ठीक है, मीन्स यहाँ पे डी ए इज प्रोपोर्शनल टू क्या जाएगा डी टी, मीन्स ए इज प्रोपोर्शनल टू टी आएगा, तो जितना टाइम्स एरिया है उतना टाइम्स टाइम भी आएगा, इससे बच्चों टी टू इज इक्वल टू क्या जाएगा टी टू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टी वन, T2 is equal to twice of T1, क्योंकि यहाँ पे जो एरिया है इसका डबल है तो ये वाला टाइम भी डबल टाइम होगा, तो कौन सा आंसर आएगा T2 is equal to twice of T1, तो यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन का गिवन है सी टू डी का टाइम T1 है, अच्छा ये वाला टाइम T1 है, ओके ये वाला टाइम T1 गिवन है, ये वाला टाइम T1 बोला है, इस टाइम को T1 बोला है, ये वाला टाइम T2 है, ठीक है, ये वाला टाइम T2 है, तो ये एरिया ए ये वाला टाइम T2 है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पे हमें T2 फाइंड करना है, तो क्या जाएगा देखिए समझो, यहाँ पे उधर का टाइम जो है T1 इज इक्वल टू क्या जाएगा ट्वाइस ऑफ T2, तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है T1 इज इक्वल ट्वाइस ऑफ T2 सेकंड ऑप्शन, ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा, क्लियर, ऐसे अपन टिक कर सकते हैं, ओके। चलो अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन 38, देखिए 38 क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, यहाँ पे देखिए 38 क्वेश्चन ये, इसे हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन 38 को, ठीक है, इसमें आपको मास गिवन है 2 kg, ये वाला मास 2 kg m1 और m2 का मान कितना है 1 kg है, ठीक है, m2 m1 दे रखे हैं, तो यहाँ पे देखिए ये 1 kg मास है, ये m1 का मान तो 2 kg है, ये वाला मास आपको कितना गिवन है 2 kg, ये 2 kg है और ये कितना है 1 kg, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे देखिए पहले अपन लिफ्ट को रेस्ट में लेते हैं, लिफ्ट को रेस्ट में लेके देखेंगे तो इस पर जो फोर्सेज एक्ट होंगे इस पर कितना लगेगा बच्चों 2g, ठीक है, इस पर लगेगा नीचे यहाँ पे 1g, और यहाँ पे इसमें टेंशन इसमें से टी इस तरह से प्रोड्यूस होगी टेंशन फोर्स टी, और यहाँ पे हैवी मास कौन सा ये आएगा नीचे, मान लो इसका जो नीचे की तरफ एक्सलेशन है ये एक्सलेशन है a1 और इसका एक्सलेशन है ऊपर की तरफ ये a1, ठीक है, पहले अपन लिफ्ट को रेस्ट में लेते हैं, ठीक है, लिफ्ट को अगर अपन रेस्ट में लेके पहले सॉल्व करते हैं क्या है लिफ्ट रेस्ट को ले रहे हैं, लेट लिफ्ट इन रेस्ट, तो पहले बच्चों लिफ्ट को अपन रेस्ट में लेके सॉल्व करें तो देखते हैं कितना रिजल्ट बनता है, तो यहाँ पे देखिए इसमें पहले a निकालो तो a इज इक्वल टू क्या होता है नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास, इधर से पुलिंग 2g इधर से 1g है तो नेट पुलिंग हो जाएगा 2g माइनस 1g अपॉन टोटल मास कितना है 3, तो कितना हो गया ये g/3, तो a तो कितना हो गया g/3 हो गया। अब यहाँ पे अगर अपन FBD देखें 1 kg का FBD, 1 kg वाले को देखिए 1 kg ऊपर जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे बच्चों a1 निकाला मैंने a1, ये क्या आ गया a1। अब यहाँ पे इसका अगर अपन FBD देखें 1 kg वाले को तो 1 kg वाले से हम देखें यहाँ पे ऊपर की तरफ a1 है, मींस 1 a1 इज इक्वल टू t minus 1g, ठीक है, तो यहाँ से क्या जाएगा रिजल्ट, हमारा पर्पस क्या है टी निकालना है, तो a1 को तो g/3 रख दो, g/3 इज इक्वल टू t minus g, तो यहाँ से टी इज इक्वल टू क्या जाएगा 4g/3 हो जाएगा, टेंशन कितना होगा 4g/3 इक्वल। अब यहाँ बच्चों लिफ्ट डाउन साइड मूव करी विद एक्सेलरेशन a, तो उसमें जो टेंशन है कैसे निकाल लेंगे, जी को रिप्लेस करना है जी माइनस ए से, ठीक है, तो यहाँ पे देखो लिफ्ट मूविंग कंडीशन में लिफ्ट मोशन अपन यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं इसमें, तो यहाँ पे इसमें जी को जो रिप्लेस करेंगे
जी को रिप्लेस करेंगे जी माइनस ए से, क्योंकि लिफ्ट का एक्सप्रेशन डाउन साइड में, सूडो फोर्स अपसाइड में एक्ट होगा, तो यहाँ पे 4/3, ठीक है, 4/3 जी माइनस जी बाई फोर, तो जी माइनस जी बाई फोर करेंगे 3g/4 हो जाएगा, तो 3 से 3, 4 से 4 कैंसिल, तो क्या जाएगा रिजल्ट जी के इक्वल, तो आंसर जाएगा सेकेंड, ठीक है। तो ऐसे अपन 38 सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर। चलो तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे आ गया यहाँ पे, फादर रेसिंग विद हिज सन हैज 1/3 काइनेटिक एनर्जी ऑफ सन, ठीक है। अच्छा यहाँ पे जो इंग्लिश में लैंग्वेज प्रॉपर लिखी नहीं है, यहाँ पे लिखा है बेटे की 1/3 गति ऊर्जा पिता की 1/3 द्रव्यमान के बराबर है, तो यहाँ पे जो लैंग्वेज है ये लैंग्वेज प्रॉपर बैठ ही नहीं, इसलिए आप इसको क्वेश्चन को इंग्लिश में रीड करें ज्यादा बेटर है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे गति ऊर्जा को अपन द्रव्यमान से ना कंपेयर कर सकते हैं, लैंग्वेज प्रॉपर नहीं है, इसलिए ठीक है इसको आपको इंग्लिश में रीड करना पड़ेगा। तो आप क्या बोल रहा हूँ, फादर रेसिंग विद सन हैज 1/3 काइनेटिक एनर्जी, मतलब फादर की जो काइनेटिक एनर्जी है, मींस क्या बोल रहा है, फादर की काइनेटिक एनर्जी मींस मान लो हाफ मास एम जो वी स्क्वायर है, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो चुका 1/3, 1/3 है किसकी हो चुका अपने बेटे की गति ऊर्जा की 1/3 है, ठीक है, और उसका मास कितना, 1/3 मास है इसका, मींस हाफ मास एम बाई 3, और मान लो बेटे की वेलोसिटी यू है, तो इस तरह लिख दिया अपन ने, ये एम क्या है मास ऑफ फादर, एम बाई 3 मास ऑफ सन, ठीक है, और जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फादर है इट इज 1/3 ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ सन, ठीक है, ये बोला गया है, तो अपन ने कर लिया एक क्वेश्चन नंबर 1, तो यहाँ से जाएगी, ठीक है, एम बाई 2 से चाहो तो एम बाई 2 कैंसिल कर दो, एम बाई 2 से एम बाई 2 कैंसिल, यहाँ पे इसमें रूट कर देंगे तो वी इज इक्वल टू क्या जाएगा यू बाई 3, ये तो इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। अब आपसे कह रहा है कि यहाँ पे फादर ने अपनी स्पीड को 2 मीटर पर सेकंड इंक्रीज कर लिया है, तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, सेम हो जाती है, तो चलो अब यहाँ पे मास एम है फादर का, इसने अपनी स्पीड कितनी कर ली, 2 इंक्रीज कर ली, तो वी प्लस 2 हो गया है, तो वी प्लस 2 स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 1/3, अब ये एनर्जी इक्वल हो गई है, तो हाफ मास तो एम बाई 3 ही सही इंटू यू स्क्वायर, ठीक है, ये अपन ने कर दिया बच्चों। अभी इक्वेशन नंबर सेकंड यहाँ भी बच्चों, एम बाई 2 से चाहो तो आप एम बाई 2 कैंसिल कर सकते हो, तो यहाँ पे v बाई 2 स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 3 है, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करें, इस v को रख दें u बाई 3, v को u बाई 3 रख दें, u बाई 3 रख दिया प्लस 2, ठीक है, स्क्वायर इज इक्वल टू क्या यहाँ पे, ये u बाई 3 है, ठीक है, यू स्क्वायर बाई 3, अब यहाँ पे इसके रूट करके सॉल्व कर लो, तो इक्वेशन 1 ये इक्वेशन नंबर 2, तो इन दोनों इक्वेशन सॉल्व कर लो, रिजल्ट आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा इसका आंसर 39 का, ठीक है, तो इस तरह अपने सॉल्व करते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, क्लियर। चलो अब आगे देखें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 39 के बाद क्वेश्चन 40, देखिए क्वेश्चन 40 आपसे कह रहा है कि पार्टिकल इसका मास 5 है, ठीक है, और ये चाल v बराबर 3√2 से y बराबर x प्लस 4 लाइन के अनुसार गति कर रहा है, मतलब इस तरह देखिए, ये समझे, ये जो ग्राफ है इस तरह से ये पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है, इस लाइन के अनुसार, इस लाइन के अकॉर्डिंग मूव कर रहा है, और ये x प्लस 4 मतलब ये 0.4 है, ये डिस्टेंस कितनी हो चुका 4 डिस्टेंस दे रखी है, और इसकी वेलोसिटी इस तरफ है, इस तरफ इसकी वेलोसिटी है, ठीक है, v इस तरफ है, तो चलो यहाँ से अगर मैं देखो लाइन इसका स्लोप कितना है, y इज इक्वल टू x प्लस 4, मैं स्लोप यहाँ पे थीटा 45 डिग्री है, तो एंगल थीटा 45 डिग्री है, ये एंगल 45 डिग्री, तो इसका मैं अगर इस तरफ कंपाउंड करूँ तो जाएगा वी बाई रूट 2, ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हमें इसका निकालना है एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो j इज इक्वल टू क्या होता है, j इज इक्वल टू, ठीक है, आर पी साइन थीटा, ठीक है, आर पी साइन थीटा, या चलो क्योंकि दें अपन ऐसे कह सकते हैं आर इंटू पी परपेंडिकुलर, आर इंटू पी परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे देखिए आर तो ये 4 है ही सही, आर कितना यहाँ पे 4 है आर, एंड पी परपेंडिकुलर मतलब इसका परपेंडिकुलर कंपाउंड करेंगे तो मास इंटू वेलोसिटी रूट 2, एम इंटू वी बाई रूट 2, ये कर दिया अपन ने, ये परपेंडिकुलर मोमेंटम, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 4 इंटू एम, एम कितना रखा है यहाँ पे 5, वेलोसिटी हमें कितने रखी है 3√2 बाई रूट 2 करेंगे तो रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, तो कितना हो गया यहाँ पे 60 बन जाएगा, ये कितना जाएगा 60, तो कौन सा आंसर आ गया 4th, ठीक है, ऐसे अपन सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर। चलो अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, देखिए क्वेश्चन 41 आपको इस टाइप से यहाँ पे शांता लग रही, मतलब यहाँ पे विस्कोसिटी की इन्फॉर्मेशन दे रखी है और जो विस्कस फोर्स है उसकी इन्फॉर्मेशन पूछी है, अपन जानते हो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, विस्कस फोर्स F is equal to 6 pi eta r v, ये होता है, means force is proportional to radius and force is proportional to velocity, ठीक है, तो कौन सा आंसर आएगा बच्चों, ये दोनों के ही directly proportional है, ये जाएगा r तथा v दोनों के अनुक्रमानुपाती, ठीक है। चलो अब देखें यहाँ पे next question, question number 42, देखिए
क्वेश्चन नंबर 42 यहाँ पे इस तरह से स्प्रिंग्स कनेक्टेड है, इसमें आपको टाइम पीरियड फाइंड करना है। तो चलो देखो यहाँ पे जो दोनों स्प्रिंग्स हैं इसमें, यहाँ देखिए बच्चों इस तरह से ये दोनों क्या बना रही है आपस में, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में इसका जो के नेट है कितना, सॉरी पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में के नेट कितना जाएगा, 2k, के प्लस के 2k। अब 2k इस के साथ क्या बनाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन, तो मल्टीप्लाई अपॉन सम कर दो, तो के नेट कितना हो गया, मल्टीप्लाई अपॉन सम करेंगे क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो के इंटू 2k अपॉन के प्लस 2k, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2k बाई 3, ये कैनेट हो गया। अब हमें क्या निकालना है, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड इज इक्वल 2π√m अपॉन कैनेट, ठीक है, m अपॉन कैनेट ये हमें करना है, तो वैल्यू ऑफ कैनेट रख दो उसके अंदर, ठीक है, 2π√m अपॉन कैनेट, कैनेट यहाँ पे 2k/3 है, ठीक है, तो 2k/3, तो कौन सा आंसर आ गया, ये 2π, ये सेकंड आंसर आ जाएगा 2π√3m/2k, ठीक है, तो सेकंड आंसर इसमें टिक कर सकते हैं, क्लियर। चलो अब देखें, तो जो क्वेश्चन नंबर 43 में आपसे कह रहा है कि इस तरह आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है, जैसे अपन स्विच को ऑन करेंगे तो I1 अपॉन I2 रेशियो पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, तो यहाँ पे देखो दोनों सर्किट यहाँ पे चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के हैं, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में यहाँ पे दोनों पे ये ब्रांच है, ये ब्रांच और ये ब्रांच तीनों पैरेलल कनेक्टेड है, तो इस ब्रांच पे भी पूरा पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई हो रहा है, इस ब्रांच पे भी कंप्लीट पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम देखें जो इक्वेशन होती है यहाँ पे इसमें, देखिए किस टाइप से बच्चों करंट वेरी करती है, ये आपको बताइए, I = I0e−t/RC, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इक्वेशन करंट वेरी करती है, ठीक है। अब यहाँ पे इसके अंदर हमें क्या निकालना है, I1/I2, तो यहाँ से देखो I1/I2 करेंगे तो I1/I2 = ठीक है, I1/I2 करेंगे तो I0 कट जाएगा, क्योंकि I0 तो V/R के इक्वल है, तो यहाँ भी V/R, यहाँ भी V/R, तो I0 तो सेम ही आएगा, तो I0 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो e−t/RC, तो I1 वाले में रेजिस्टेंस, ठीक है, R है, कोई दिक्कत ही नहीं है, RC, बट बच्चों I2 वाले के लिए अपन देखें रेजिस्टेंस की कितनी रखी है, 2R, ठीक है, सॉरी यहाँ भी R ही है, लेकिन यहाँ पे 2C है, ये कैपेसिटेंस 2C आएगा इस जगह, ठीक है, यहाँ पे 2C, रेजिस्टेंस तो R है, बट यहाँ पे कैपेसिटेंस क्या बच्चों, 2C के इक्वल है, कैपेसिटेंस 2C, एंड I2 वाले में कैपेसिटेंस कितना बच्चों, C है, तो T/RC, ठीक है। अब यहाँ पे इसको ऊपर ले आए तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा e−t/RC, कॉमन ले लो t/RC, तो ब्रैकेट में क्या बचा, 1/2, ठीक है, और ये नेगेटिव पावर ऊपर जाके प्लस बन जाएगी, ठीक है, यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे कॉमन लेंगे तो −1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसमें देखिए e+, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव हाफ आएगा, तो e+t/2RC, ठीक है, तो पॉजिटिव आ रही है वैल्यू, पॉजिटिव आ रही है, मीन्स टाइम इंक्रीज करेंगे तो रेशियो क्या होगा, इंक्रीज, तो दिस इंप्लाई बच्चों इफ टी इंक्रीज देन I1/I2 इंक्रीज, I1/I2 वैल्यू भी इंक्रीज होगी, तो यहां से ये जो रेशियो अपन देख रहे हैं ये पॉजिटिव फॉर्म में आ रहा है, e पॉजिटिव पावर है, इसलिए यहां पे ये इंक्रीज होगा I1/I2, ठीक है। चलो अब देखें यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन 44 में आप इसे कह रहे हैं चिकना नत्तल है, ठीक है, उसमें बॉडी को नीचे आने में टाइम कितना लग रहा है, टी, और अगर ये खुरदरा है, रफ है, तो टाइम 2t लग रहा है, तो उसमें इसमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको फाइंड करना है, तो चलो देखो अपन जानते हैं टाइम इज इक्वल टू, देखिए टाइम की जो वैल्यू होती है टी इज इक्वल टू, आप जानते हैं फॉर्मूला √2h/g, कुछ इस तरह से होता है फॉर्मूला, किसके लिए बच्चों, अगर कोई बॉडी को अपन फ्री फॉल कर रहे हैं, ठीक है, तो नीचे आने में टाइम टेकन कितना होता है, t = √2h/g, मीन्स यहां से हम देखते हैं ये किसके लिए बच्चों, सिर्फ फ्री फॉलिंग के लिए, इस तरह बच्चों कोई बॉडी फ्री फॉल हो रही है, ठीक है, एच के लिए, यहां से हम देख रहे हैं इस तरह से, यहां से ये होता है रिजल्ट, यहां से टी प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है बच्चों, यहां पे 1/√g, मीन्स ए, टी प्रोपोर्शनल टू 1/√a आ रहा है। अब देखिए यहां पे इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन में एक बार तो जी मतलब कितना बराबर है, जी साइन थीटा, ठीक है, यहां पे जो a1 है स्टार्टिंग में तो क्या लग रहा है बच्चों, जी साइन थीटा के इक्वल, क्लियर। अब बच्चों रफ है, रफ प्लेन में a2 निकालेंगे तो a2 = क्या आएगा, mg sin थीटा, तो इंक्लाइंड प्लेन पे नीचे क्यों लगेगा और ऊपर की तरफ लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, तो यहां समझ सकते हैं कि यहां पे देखो जो टोटल बस mg sin थीटा लग रहा है नीचे की तरफ, ऊपर की ओर लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स, डिवाइड बाय कर देंगे मास, तो ये सेकंड वाले केस में आ जाएगा एक्सेलरेशन, ठीक है। अब यहां पे देखिए mg sin थीटा, फ्रिक्शन इज इक्वल टू क्या होता है, μ × n, तो μ × n, n मींस mg cos थीटा, ठीक है, डिवाइड बाय m, तो m से m कैंसिल कर देंगे, तो यहां से क्या बन जाएगा रिजल्ट, ये हो गया बच्चों इसमें
ये जी कॉमन निकाल लो तो साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, ठीक है, ये सेकंड ए टू आ गया। बस अब कुछ ही करना है, पे देखिए यहां से हम देखेंगे टी समानुपाती वन अपॉन रूट ए, तो टी वन अपॉन टी टू इक्वल टू रूट ऑफ ए टू अपॉन ए वन, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम की जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो यहाँ पे यूज कर लो, टी वन यहाँ पे टी है, टी टू कितना है टू टी, ठीक है। अब यहाँ पे जो ए टू एंड ए वन है, ए टू ये रहा जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, ठीक है, डिवाइड बाय यहाँ पे ये वैल्यू कितनी दे रखी है जी साइन थीटा है जी साइन थीटा, ठीक है, ये हो गया बच्चों। बस यहाँ से जी कैंसिल, दोनों तरफ स्क्वायर करके सॉल्व कर लो तो यहाँ पे ये रिजल्ट आएगा 3/4 tan थीटा, यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे स्क्वायर करके, ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये आ जाएगा फर्स्ट आंसर, ओके। चलो अब आगे देखें, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन 45 में कह रहा है कि यहाँ पे तरंग देर नीचे जो वेवलेंथ है ये 0.06 मीटर है और यहाँ ऊपर पहुंचने पे तरंग देर क्या होगी, वेवलेंथ हमें फाइंड करनी है। तो चलो देखो, वेवलेंथ जो होती है लैम्डा, लैम्डा प्रोपोर्शनल टू क्या होता है वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेंशन फोर्स, ठीक है, तो यहाँ पे एंड रूट ऑफ टेंशन फोर्स क्या होगा, रूट ऑफ mg इक्वल mg, ठीक है। अब यहां से देखें तो लैम्डा टॉप अपॉन लैम्डा बॉटम, ये देखें तो रूट ऑफ, तो जो ऊपर यहाँ पे इस पॉइंट पे जो टोटल वेट आएगा इस जगह, ये इसका रोप का मास कितना गिवन है आपको यहाँ पे 12 के, इसका आपको 6 kg गिवन है, इसका 6 kg है और ये कितना है 2 kg, तो 6 प्लस 2 कितना हो गया 8, इस पॉइंट पे जो टोटल टेंशन फोर्स है 8 kg है, ठीक है, तो 8 किलोग्राम वेट है, तो मीन्स 8 इंटू जी, ओके, डिवाइड बाय, अब इस बॉटम पॉइंट पे देखें, इस बॉटम पॉइंट नीचे ओनली 2 kg है, तो इस बॉटम पॉइंट पे जो टेंशन फोर्स है ओनली 2g के इक्वल होगा, तो क्या हो जाएगा ये 2, ठीक है। तो लैम्डा टी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ लैम्डा बॉटम, लैम्डा बॉटम हमें कितना गिवन है, नीचे तरंग देर 0.06 दे रखी है, तो ट्वाइस ऑफ 0.06 कर देंगे तो क्या जाएगा बच्चों रिजल्ट, यह आ जाएगा 0.12, ठीक है, ये फर्स्ट आंसर आ जाएगा। तो इस तरह अपन ये कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अपन ने कंप्लीट 46 45 क्वेश्चन अपन ने सॉल्व कर लिए, ठीक है, चलो फिर मिलते हैं, ओके, गुड बाय।